हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कास्टर कैप्टन मैकलेन करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन आज का दिन ये होने वाला है, क्योंकि आज होने वाला है बियर लेजेंड अंडरडॉग कप का फाइनल शो डाउन। तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन होने वाला है, मतलब ऐसा बैंग बैंग एक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं आपका अभिवादन करता हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट कैप्टन मैकलेन। तो फटाफट से एक काम करते हैं, चलते हैं रूम के अंदर और वहां पे करेंगे बहुत ही ढेर सारी बातें। तो चलिए आ जाइए फटाफट से मेरे साथ और चलते हैं फटाफट से रूम के अंदर। तो कम ऑन, सी यू इन अ रूम। तो लीजिए, आ चुके हैं हम लोग वापस अपने बीआर लेजेंड प्रेजेंट्स अंडरडॉग कप के फाइनल शो डाउन में, जिसमें आज जो भिड़ेंगी वो भिड़ेंगी हमारी एग्जैक्टली 16 से 18 टीमें। और बहुत ज़्यादा ही मतलब फैंटास्टिक गेम प्ले हम लोगों को देखने को ये मिलने वाला है। तो आप लोग जो है मेरे साथ रहिए बने हुए। सॉरी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, थोड़ी देर में बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी टीमें खेलने वाली हैं। इससे पहले एक मिनट का टाइम मुझे दे दीजिए, मैं एक मिनट में आपसे बात करता हूँ। तो फटाफट से जो हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें जो टीमें देखने को मिलने वाली हैं वो 5th से लेके 22 स्लॉट तक हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इसमें फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को जो है उस टीमों के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे फिफ्थ स्लॉट से लेके 22 की जो बात हुई है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें फिफ्थ स्लॉट पे देखने को मिलेगी नो बड़ी न्यू ऑफिशियल, जो अब तक बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन टीम में से एक यहाँ पे रही है। और सबको उन्होंने मतलब अपने धुआंधार एक्शन से यहाँ पे सबका मतलब दिल जीत लिया है, जिसे ये बोलते हैं। ऑलराइट, तो फटाफट से और दूसरे पे यहाँ पे 6 पे मिलेगी यहाँ पे हंटर्स, 7 पे है यहाँ पे 888 राइजिंग, 8 पे है यहाँ पे 69XM, 9 पे है यहाँ पे रेस गॉड, 10 पे है यहाँ पे 3C3C भी बहुत ज़्यादा शानदार गेम प्ले, मतलब जितनी टीमों के मैं नाम ले रहा हूँ मतलब ये काफ़ी टीमों को पछाड़ कर यहाँ पे फाइनल तक पहुँची हैं। तो 11 पे है 7SXM, 12 पे है यहाँ पे टोरेनो ई स्पोर्ट्स, 13 पे है रॉयल XM, 14 पे है TWMOG, 15 पे है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी फ्यूजन एक्सट्रीम, 16 पे है यहाँ पे एक्सट्रीमली रेडिकुलस, 17 पे है डोमिनेटर्स, 18 पे है यहाँ पे माफिया ई स्पोर्ट्स, 19 पे है यहाँ पे फ्यूजन XM। तो और यहाँ पे 20 पे हमें जो देखने को मिल रही है वो है मिडनाइट सोल। तो इसमें कुछ एक आध टीमें जो है हमारी एक वाइल्ड कार्ड भी है। और 21 पे है यहाँ पे लॉर्ड, 23 पे यहाँ पे वाइल्ड गेम। ऑलराइट, तो ये टीम गाइस बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक हम लोगों को होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, मैं भी बहुत इंजॉय करने वाला हूँ, बहुत 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 मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो बस तो देर की बात क्या, हम लोग को बस ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी टीम है जो सबसे पहले बाजी मार के ले जाती है और कितना अच्छा कितना बेहतरीन गेम प्ले हम लोगों को यहाँ पे खेल के दिखाती है। तो मतलब मज़ा आने वाला है गाइस, मतलब ये लगा लो कि धूमधड़ाम यहाँ पे होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, मैं तो बिल्कुल के बिल्कुल तैयार हूँ यहाँ पे, और देखेंगे कि इसमें या क्या वो नोबडी नूव्स होता है जो आज के चैंपियंस हमें होंगे, क्योंकि ये फाइनल 2 दिन होने वाला है, आज होगा कल होगा। और या वो होने वाली हंटर्स, 3C, 888 राइजिंग, जो जो टीमों के मैं नाम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा धुआंधार टीम्स हैं, डोमिनेटर्स ये टीम होने वाली है, या आपकी वाइल्ड गैंग की टीम हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है।
तो गाइस ये चीज के लिए आप लोग बिल्कुल हो जाइए तैयार। मैं तो बिल्कुल मतलब टोटली बिल्कुल यहाँ पे तैयार हूँ। लॉर्ड यश स्लॉट 21 एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अबाउट लॉर्ड यश वेलकम टू द स्ट्रीम। वही मैंने बोला कि वो लॉर्ड होने वाली है या वो होने वाली है वाइल्ड गैंग। तो ये टीमों हमें जो है यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, जो इन टीमों में से देखेंगे कौन सी टीम जो है ऐसा धुआंधार एक्शन दिखाती है कि मतलब देखने के बाद मतलब आप लोगों का मन नहीं करेगा अपने टीवी सेट्स यहाँ तक कि आप एलईडीज या फिर मोबाइल्स के सामने से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे 1 मिनट में। तब तक आप यहाँ पे एक म्यूजिक एंजॉय कीजिए। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे।
तो लीजिए गाइस, आ चुका हूं मैं वापस। तो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे वो बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले जो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ये सब आप लोगों की बदौलत ही हो पाता है। जो मैं आज यहाँ पे कास्टिंग कर रहा हूँ वो आप लोगों के प्यार की वजह से है, और इसी की वजह से ही और भी ज्यादा बेटर करूंगा अपने आप को। कोशिश करूंगा आप लोगों को जितना अच्छे से अच्छा एंटरटेन कर सकूं, और जितनी अच्छी से अच्छी फाइट दिखाने की पूरी कोशिश आपको कर सको, यही मेरा मोटिव हमेशा रहता है। तो बस, तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे मुझे स्पैम करके बताइए, और लाइव का बिल्कुल लाइव चलता हुआ है इसके अंदर, आप लोग फटाफट से स्पैम कर दीजिए और अपनी फेवरेट टीम्स का नाम मुझे बताइए, और कौन सी टीम यहाँ पे खेलती हुई नजर आएगी। ये चीज होने वाला है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा शानदार। बस 7 यहाँ पे बज चुके हैं, और यहाँ पे गेम किसी भी वक्त यहाँ पे चालू होता हुआ नजर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और कभी भी हो जाएगा। बाकी एक आध दो प्लेयर्स बस यहाँ पे आने बस बाकी रह गए, तो ऑलमोस्ट, लेकिन बाकी की टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, सिर्फ 2 प्लेयर आने बाकी रह गए हैं। एक प्लेयर हमारे रहते हैं TWMOG के, और एक प्लेयर जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं ट्रिपल एट राइजिंग के। तो फटाफट से प्लेयर्स आप लोग आ जाइए, नहीं तो अगर गाड़ी यहाँ पे छूट गई। एंड हियर वी गो, द मोस्ट द फेनोमिनल, और बहुत ही ज्यादा फेनोमिनल और बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। दैट इज द प्योर लेजेंड अंडरडॉग स्क्रीन प्रेजेंट द फाइनल शोडाउन द अंडरडॉग कप का। तो ये हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल तैयार, और यहाँ पे हो चुका है हमारा काउंटडाउन बिल्कुल बिगन। और अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे है गुर्जर जो हमें देखने को यहाँ पे नोबडी नूब्स से देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, आप लोगों ने भी मुझे लगता है तैयारी सब लोगों ने यहाँ पे करी ली होगी, क्योंकि BMOC की तैयारी तो सब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम लोग भी कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी तैयारी पूरी होगी। तो मुझे लगता है कि आज के हमारे जो पायलट हैं वो यहाँ पे गुजर 007 यहाँ पे होने वाले हैं। बस आप लोग तैयार रहिए, यहाँ पे हो चुका है गेम शुरू, और देखेंगे बहुत ही ज्यादा फैंटेस्टिक फ्लाइट पाथ या कहाँ पे बनता है हमारा। एंड हियर वी गो, द फ्लाइट पाथ इज रियली 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 ऑसमेटिक, क्योंकि जो जो मतलब जॉर्जो जो जाना पसंद करता है, और एग्जैक्टली बहुत ही अच्छी है जॉर्जो का एरिया जहाँ पे लूट बहुत अच्छी मिलती है, साथ के स्कूल जाना पसंद करते हैं, पोचंकी जाना पसंद करते हैं, तो वहां पे ऑलमोस्ट आप लोगों का बहुत ही इजी वे में यहाँ पे देखता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि जॉर्जो यहाँ पे पास है, प्रिमोस यहाँ पे पास है, पोचंकी यहाँ पे आपको इजिली पर एक्सेस पे पड़ेगा, साथ के साथ दिखाई देगा यहाँ पे आपका सेवरनी, तो मतलब एग्जैक्टली दोनों साइड में आप ले कर सकते हैं। मिलिट्री बेस तो ऑलमोस्ट आ ही रहा है, दैट वॉज फैंटेस्टिक। सेमीफाइनल में हमारा रिकॉर्ड हो जा 0 kill 0, वाह नाइस नाइस, ये चीज तो बढ़िया रही, नाइस, ये चीज कभी कभी होती है। तो एग्जैक्टली यसनाया पोलियाना भी बहुत इजीली पहुंचा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको मिल्टा जाना है तो ग्लाइड आपको करना पड़ेगा, मिल्टा पावर आपको जाना है तो ग्लाइड आपको करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अगर जाना है यहाँ पे मेंशन मेंशन के साथ साथ कामेश की लिपोव का, तो यहाँ पे गाइज आपको लोगों को स्टेबलर, तो यहाँ पे आपको ग्लाइड करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट ज्यादातर टीमें जो मुझे दिखाई दे रही है इस समय, वो मुझे जाती हुई जो दिखाई दे रही है वो जा रही है, कुछ तो जा रही है, बहुत ज्यादा एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्लस्टर बनता था जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो है वहां पे मिलिट्री बेस के अंदर। तो मिलिट्री बेस बहुत ही ज्यादा शानदार एरिया है, आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा एरिया है, काफी टीम्स वहां पे जाना पसंद करती है, लेकिन ऑलमोस्ट जहाँ पे जो लूट का एरिया है, जो बेसिकली जो यहाँ पे माना जाता है, तो ये बहुत ज्यादा फिनोमिनल मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग एरियाज यहाँ पे होते हैं। जैसे देखिए गुजर यहाँ पे उतरते हुए हमें दिखाई दे चुके हैं, जो एरिया इनके पास एग्जैक्टली शानदार बनता हुआ दिखाई दे चुका है। तो इनके पास यहाँ पे ट्रिपल एट राइजिंग के हाई और एक्स गॉड, और साथ के साथ यहाँ पे स्किन जी भी यहाँ पे दिखाई देते हुए, और एक टीम और जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा शानदार यहाँ पे ट्रोन स्पोर्ट्स के एक प्लेयर यहाँ पे देख रहे हैं मोनू और लूजर, और साथ के लॉस भी हमें ऑलमोस्ट आस पास दिखाई देंगे। तो क्लस्टर जो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता हुआ मिलिट्री बेस में दिखाई दे चुका है, तो TWG के OG का यहाँ पे दिखाई दे चुका है, जो यहाँ पे हमें दिखाई देती है। व्हाइट गैंग ने यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए बहुत ज्यादा शानदार तरीके से हमें दिखाई देते हुए, लेकिन हमारे 69 एक्शन के यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेयर यहाँ पे जो निकलने में, वेगा हमें निकलने में यहाँ पे सेवेज यहाँ पे निकलने में बहुत ज्यादा कामयाब होते हुए दिखाई दे चुके। शॉट यहाँ पे पड़ते हुए दिखाई दिए जरूर थे, ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत का सामना इन्हें पड़ता हुआ दिखाई दिया था, शॉट यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आप देख सकते हैं कितने बचने में कितना कामयाब होता, वो सो क्लोज।
दैट वाज सो क्लोज, थोड़ा सा बचते हुए दिखाई दिए लेकिन बचने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता हुआ। वाइल्ड गैंग की टीम ने यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी देनी शुरू यहाँ पे कर दी थी। ऑफेंड ने यहाँ पे दिखाई दिया और साथ के साथ देख सकते हैं ऐसे जॉर्ड और सेनगो जो हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे जॉर्ड ने देखने की कोशिश, यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। दैट इज गॉड, दैट द गॉड, और यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे चुका है एंड द फर्स्ट ब्लड इज हियर। तो फर्स्ट नॉकआउट हमारे गेम प्ले का यहाँ पे दिखाई दे चुका है, शॉट लेते हुए हमें शॉट दिखाई दिए बहुत ही शानदार तरीके से SMG UMP-45 का। और सेवेज यहाँ पे बचने में थोड़ी देर अगर ऑल लेट रहते तो शायद बचने में कामयाब हो जाते, लेकिन दिक्कत का सामना इस टीम को होता हुआ इस समय मुझे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे कि 3C के यहाँ पे जो दिखाई देने वाले हैं बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से, और शॉर्ट्स यहाँ पे जो दिखाई देने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरा हो सकता है इस टीम का। लेकिन अब देखें कि 69 XM के बाकी प्लेयर यहाँ से किस तरह रोटेशन करके डालने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। स्लॉट 17 ब्रो, ओके स्लॉट 17 आपको दिखाई देता हूँ। गाइस मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ, अगर बाय चांस मान लीजिए आप लोग, क्योंकि थोड़ा डिले है मैं आपको बता देता हूँ। द किंग टू डोरोकी, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, और यहाँ पे मैं सबकी बातें करूंगा, सबके स्लॉट्स दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। आवाज़ आपको थोड़ी सी अगर लेट आती है तो बेफिक्र रहिए, थोड़ा डिले है लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे डोमिनेटर्स की टीम हमें खेलती हुई नजर आई, DDR यहाँ पे केरा और साथ के साथ यहाँ पे वॉस सेक्सी और हमें राइजन एक्स हमें दिखाई देने वाले हैं। और इन्हीं के साथ जो दूसरी टीम हमें खेलती हुई नजर आ रही है वो हमें दिखाई दे रही है TWMOG की। और तो उसी के साथ देखेंगे ये दोनों टीमें जो है बहुत ही अच्छे एरिया को यहाँ पे एक्वायर करके उतर चुकी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जॉर्जो का एरिया था बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, साथ के साथ लूट का तो मतलब भंडार है, बहुत दिक्कत यहाँ पे लूट को होने नहीं वाली है इस टीम को लेके। और बहुत ही एक अच्छा एनालाइज हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे टीम को, और बहुत ही अच्छा बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों टीमें जो खेलते हुए डोमिनेटर्स और साथ के साथ TWG OG हमें दिखाई दे रही हैं, तो उनके साथ ही यहाँ पे गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि सच्ची में देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, और साथ के साथ हमें देखेंगे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गए पैराडॉक्स स्लॉट 17 दिखा, बिल्कुल ब्रदर वही दिखा रहा हूं, मैंने बता दिया थोड़ा सा डिले होगा, बेफिक्र रहिए वो सब आपको दिखाई देगा, सबको दिखाऊंगा बेफिक्र रहिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे आगे की साइड पे देखने की कोशिश करते हैं, तो एक टीम और जो हमें खेलती हुई दिखाई दे रही है एक्सट्रीमली रेडिकुलस की, उसके पास ये दूसरी टीम जो हमें खेलती हुई नजर आई वो है फ्यूजन XM की। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉट देते हुए दिखाई दे सकते थे यहाँ पे निलुट, और निलुट ने सामने बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली रेडिकुलस की प्लेयर को यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया गया है इस टीम के प्लेयर के द्वारा। और देखिए सिंप्लीफाई के साथ साथ यहाँ पे क्लच ओपी और उसके साथ कहते हुए यहाँ पे डे सिंक, और बाकी की टीम भी यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छे एरिया में लूट आउट करने की कोशिश यहाँ पे करती हुई, और थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे बन जरूर सकती थी, गाड़ी को यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जा सकती है, लेकिन फिर भी गाड़ी को अभी जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, शॉट जो लिए गए थे उससे टीम यहाँ पे ऑलरेडी उबरने में कामयाब हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं निलुट थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट साइड से एक फ्लैंक करके बहुत ही ज्यादा आगे की साइड पे पहुंच चुके हैं, तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉट्स लेने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर शॉट यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, लेकिन थोड़ी सी अपनी एक पोजीशन जो है वो भी जो है ऑलमोस्ट रिवील करते हुए प्लेयर्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर दूर अगर आप जाते हो तो उस लेवल से क्या होता है कि बाई चांस मान लीजिए अगर आप सडनली कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई, कुछ शॉट्स एकदम पर्टिकुलरली कुछ कनेक्ट हो गए, जो दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है उसके साथ ही कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे आपको बचाया जा सकता था, लेकिन एक्सट्रीमली ऐसा है कि कुछ मोमेंट्स में वहाँ पे आपको नहीं बचा सकता अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले और बहुत ज़्यादा दूर हो अपनी टीम की तरफ से, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस टीम के साथ। आप देख सकते हैं लॉर्ड की टीम के पास चलते हैं, तो लॉर्ड की टीम के पास हमें तीन टीमें हमें यहाँ पे खेलती हुई नजर आ रही हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी फेवरेट्स टीम्स हैं यहाँ पे 7SXM, और साथ के साथ जो एक टीम और यहाँ पे नजर आ रही है वो है हमारी रॉयल XM की, और उसके साथ ही हमें यहाँ पे लॉर्ड की टीम भी नजर आ रही है। तो शॉर्ट्स यहाँ पे देते हुए नजर जुड़ रहे थे, डैडी हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं टॉक्सिक लेडी, और यहाँ पे शॉर्ट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से कवर करके यहाँ पे दिखाई जरूर दिए गए, क्योंकि सामने से जो प्लेयर हमारे खेलते हुए नजर आया जीशॉक ने यहाँ पे एक नेट यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश, अगर ये नेट बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से जाएगा तो दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं दो प्लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे युद्ध भी दिखाई देने वाले हैं, और साथ के साथ बाकी के हमारे एक साइड पे खेलते हुए जीशॉक, राइट साइड से आते हुए शशंक, That's called the real lead. और शॉक्स ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेहतरीन नेट करके डैडी को यहाँ पे नॉकआउट करके यहाँ पे निकाल दिया गया, और उसी के साथ ही यहाँ पे एक प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जी शॉक ने उनको प्रॉपर यहाँ पे फिनिश करके और घर के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो दो प्लेयर की यहाँ पे कैजुअलिटी होती हुई मुझे इस समय लॉर्ड की टीम की नजर आ रही है, क्योंकि जो लेडी भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं उसके साथ साथ
दूसरे के दो प्लेयर भी हमें दिखाई देने वाले हैं, वो भी फ्लेक्सी, और फ्लेक्सी के साथ साथ यहाँ पे सेवर्नी के अंदर बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले देने की कोशिश नोबिता दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास उजी है, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ से निकलना ज्यादा बेटर, मतलब यहाँ पे प्रेफर करेंगे शॉर्ट जहाँ पे कवर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट होती होती हुई और बहुत ज्यादा शानदार तरीके से होता हुआ रॉयल आइटम की टीम का हो चुका है यहाँ पे एग्रेशन, और लॉर्ड की टीम जो है ऑलमोस्ट पूरी पूरी फिनिश ऑफ हो चुकी है यहाँ पे बहुत ही अर्ली एक्सेस में 18 नंबर की पोजीशन में पूरी टीम यहाँ पे हो चुकी है एलिमिनेट। तो सॉरी ब्रदर फॉर द बिग लॉस ऑफ द लॉर्ड हियर, सॉरी टू से। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं अब जो ये फाइट होती है रॉयल एटम्स और बिटवीन यहाँ पे जो दो टीमें हमें दिखाई दे रही हैं सेवन एस एक्स एम उसके बीच में होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट देख सकते हैं तीन फिनिशेस के साथ हमारी सेवन एस एक्स एम और एक फिनिशेस के साथ हमारी जो सामने वाली टीम जो नजर आ रही है वो है हमारी यहाँ पे रॉयल एटम की। और तो इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा एक कंबाइंड कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बहुत ही अच्छा एक रिचिंग शॉट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो रॉयल एटम की हमें यहाँ पे देख सकते हैं 69 K9 हमें देखने को यहाँ पे मिलते हुए शॉट यहाँ पे लेने की कोशिश, नेड यहाँ पे परफेक्शन के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे की जरूर गई थी। ऑलमोस्ट चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिच के पास, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक टीम और खेलती हुई हमें जो नजर आ रही है वो है ट्रिपल एट राइजिंग। तो ट्रिपल एट राइजिंग के अगेंस्ट यहाँ पे खेलती हुई दूसरी टीम हमें जो दिखाई दे रही वो है हंटर्स। तो हंटर्स के साथ यहाँ पे जेरी लोन वोल्फ और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और देख सकते हैं इनके हाइट भी इनके साथ है यहाँ पे एक्स गॉड और किंग जो हमें नजर आ रहे हैं, तो उनके यहाँ पे शॉट लेने की यहाँ पे की जरूर जाएगी क्योंकि रोटेशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सबब यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दोबारा से यहाँ पे एक काम करते हैं चलते हैं दोबारा से यहाँ पे, क्योंकि जी शॉक को ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है 69 K9 के द्वारा, शॉर्ट्स यहाँ पे लिए गए जरूर गए थे, शॉर्ट्स इनको भी थोड़े से कनेक्ट हुए थे, तो दिक्कत यहाँ पे हो चुकी है बहुत 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 ज्यादा। मुझे लग रहा पूरा रश के मूवमेंट में टीम यहाँ पे हो चुकी है क्योंकि क्लिफ आगे की साइड पे आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्लिप भी यहाँ पे धीरे धीरे आगे की साइड पे आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा जल्दबाजी थोड़ी सी नहीं करनी चाहिए और शॉट्स यहाँ पे पूरे तरीके से दिखाई देने चाहिए, क्योंकि क्लिप शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करेंगे जरूर, लेकिन प्लेयर को अपने रिवाइव करने में पूरे के पूरे कामयाब रहते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं यहाँ पे यून। और देखो यून भी बहुत ही मतलब बेहतरीन गेम प्ले इन्होंने दिखाया, अपने प्लेयर को पूरा का पूरा करा इन्होंने यहाँ पे रिवाइव। अब चलते हैं दोबारा से यहाँ पे 20 नंबर की टीम के पास जो है हमारे मिडनाइट सोल। तो मिडनाइट सोल में देखिए शॉट यहाँ पे कनेक्ट होते हुए मिडनाइट सोल के यहाँ पे एथलर और इनके साथ खेलते हुए यहाँ पे बिग डॉग और एक और प्लेयर यहाँ पे शार्क भी दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जिस की जो एक प्लेयर है उनका यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना होता हुआ और यहाँ पे उनको एक कैजुअलिटी इस टीम को यहाँ पे होती हुई, लेकिन एक फिनिश इस प्लेयर ने भी यहाँ पे हमें दिखाई दिया, लेकिन एक प्लेयर जो फ्यूजन की टीम के साथ यहाँ पे दिक्कत हुई वहाँ पे पूरी की पूरी तीन प्लेयर की कैजुअलिटी, लेकिन एक प्लेयर जो निलुट यहाँ पे बचे दिखाई दे रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल भी शॉट्स लेने के मूड में नहीं है, अच्छी बात है। तो अगर आप 17 पोजीशन पे आप खेलते हो नजर, अगर आपकी पोजीशन इस समय हैशटैग मतलब 17 टीमें अगर जिंदा हैं तो उसमें अगर आप अकेले बचे हो तो आपकी जो पोजीशन है वो यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पे हो सकती है टीम की, और उसमें यहाँ पे दिक्कत का सामना यहाँ पे कर सकता है शॉट जो यहाँ पे हो सकते थे, तो उसके लिए अपनी टीम को बहुत ही जल्दी एक्सेस में खत्म कर देना ये थोड़ा सा दिक्कत का माहौल यहाँ पे बन सकता है। लेकिन फ्यूजन की टीम आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ता हुआ है यहाँ पे टीम का, फ्यूजन की स्ट्रीम यहाँ पे खेलती हुई दिखाई दे चुके, दो प्लेयर को ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट ऑफ फिनिश किया जा चुका है जिसमें बिग डैडी यहाँ पे नॉकआउट पड़े, शार्क यहाँ पे बचे हुए हैं अकेले, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो एक प्लेयर को और नॉकआउट करने में कामयाब रहते हुए दिखाई दिए थे उसको यहाँ पे दिक्कत नहीं कुछ यहाँ पे करते हुए, दो प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करके फिनिश करने में कामयाब, शार्क का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एग्रेशन यहाँ पे दिखाते हुए बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से DP28 का यहाँ पे जलवा पूरे तरीके से यहाँ पे दिखा चुके हैं, और दो प्लेयर की यहाँ पे कैजुअलिटी की यहाँ पे दिक्कत होती हुई यहाँ पे फ्यूचर एक्सम की टीम को यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश, शाक को भी यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है, गैंगस्टर यहाँ पे अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगा शाक को यहाँ पे शॉट करने की कोशिश यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से हो सकती थी शाक, लेकिन अपने आप को बचा रहे पूरे पूरे कामयाब यहाँ पे होते हुए, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं बची है अगर आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे अगर आप बुलेट से अगर आप पे कनेक्ट होती है और पूरी आपकी हेल्थ अगर डाउन होती है तो यहाँ पे नॉकआउट नहीं सीधा फिनिश ऑफ होगा, वो होगा 17 नंबर पोजीशन पे, एंड द मोमेंट इज रियली वेरी रियली क्रूशियल, क्योंकि एग्जैक्टली जोन यहाँ पे आपको दिक्कत देना शुरू कर चुका है और मैं गैंगस्टर बैच में, तो अब जो सिचुएशन है यहाँ पे बची हुई है आपकी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मिडनाइट सोल वर्सेस यहाँ पे देखने को हमें मिलता हुआ है फ्यूजन एक्सट्रीम, ये दिक्कत हो चुकी है, तो शार्क्स भी यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जो फ्यूजन की टीम के जो गैंगस्टर हैं वो यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, जोन के अंदर जाना जो है वो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट हमें बनता हुआ दिखाई दे चुका है। अब जोन के अंदर हमें बाकी की टीमें जो खेलती हुई नजर आ रही है वो है डोमिनेटर्स, डोमिनेटर्स ने यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे कर दिया, देखिए रिटेलिएशन शॉट्स यहाँ पे खेलते हुए नजर आए बहुत ज्यादा शानदार तरीके से, हमें नोबडी लूज के प्लेयर यहाँ पे देख चुके, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करने में कामयाब रहते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन रिटेलिएशन शॉट्स यहाँ पे बनते हुए बाकी की टीम का बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले हो सकता था, लेकिन सेक्सी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले यहाँ पे दिखाया पूरा एक प्लेयर को यहाँ पे कैजुअलिटी, लेकिन बैक टू बैक
बहुत ज्यादा शानदार तरीके से आ सकते थे और अपने प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट और फिनिश ऑफ करने में रहे पूरे के पूरे कामयाब। और आदि ने नोबडी नूब्स के आपने एक प्लेयर को यहाँ पे बचा लिया गया है बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से। और देख सकते हैं बहुत ज्यादा शानदार डोमिनेटर टीम के दो प्लेयर की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा दिक्कत देती हुई यहाँ पे टीम को। दो प्लेयर नेड यहाँ पे आता हुआ, नेड अगर परफेक्ट नहीं करने वाला हुआ बहुत ज्यादा दिक्कत एंड टाइम पे बाहर की तरफ तो आ गए, लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो सकती थी अगर ये परफेक्शन के साथ अगर जिसे कहते हैं परफेक्ट अगर कुक नेड होता तो शायद यहाँ पे किंग को दिक्कत हो सकती थी। लेकिन नेड यहाँ पे बहुत ज्यादा, एक और नेड यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश, दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करी जरूर जा रही है नोबडी नूब्स। ये तीनों चारों प्लेयर अभी जिंदा हैं लेकिन नेट आता हुआ बहुत ज्यादा दिक्कत बनाओ केरा को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता हुआ जीटीआर के हिसाब से। तो पोजीशन यहाँ पे इस समय ये हो रही है कि 2v3 की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनती हुई नजर आ रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं नोबडी नूब्स के डेविल पूरी रोटेशन करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए राइडर्स आते दिखाई दे रहे हैं। अब देखेंगे जीटीआर और जीटीआर के साथ खेलते हुए यहाँ पे किरा कितना अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखा पाते हैं, अपनी टीम को एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पॉइंट यहाँ पे दिलाने में कामयाब रह पाते नहीं पाते। नेट पे नेट यहाँ पे कनेक्ट होते आ रहे हैं लेकिन किरा बचने में अभी भी यहाँ पे पूरी के पूरे कामयाब। ऊपर की साइड पे जाना बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट होता हुआ यहाँ पे नजर आए क्योंकि एक नेट अगर और परफेक्टली अगर यहाँ पे कनेक्ट होता कीरो को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अब ये जो वॉर है ये पर्टिकुलरली है यहाँ पे एक दूसरे के यहाँ पे गन्स पावर से हट के यहाँ पे नेट पावर यहाँ पे होना शुरू हो चुका है क्योंकि आप देख सकते हैं किंग को भी यहाँ पे जो दिक्कत दी गई थी लेकिन अपने आप को पूरा का पूरा बचाने में जो है किंग पूरे के पूरे साबित यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे। और एक नेट और यहाँ पे किंग देने की कोशिश यहाँ पे करते हो, अगर ये नेट परफेक्टली यहाँ पे कनेक्ट होगा तो शायद दिक्कत का सामना हो सकता है। यहाँ पे आता माइंड ब्लोइंग नेट बाय द किंग, इट्स द मैन विद द मैजिकल हैंड, द मैन विद द मैजिकल हैंड। और यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किरा को यहाँ पे नॉकआउट करने में रहे पूरे पूरे कामयाब। आप देख सकते हैं जीटीआर यहाँ पे किस तरीके के बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बैक टू बैक यहाँ पे आते हुए बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए हमें दिखाई किंग के द्वारा। डेविल ने बहुत शानदार गेम प्ले हमें होता हुआ दिखाई दिया था और इसी के साथ यहाँ पे एक टीम का और ज़्यादा दिक्कत का सामना करता हुआ और यहाँ पे टीम ने नोबडी नूब्स ने यहाँ पे 4 फिनिशेस के साथ गेम प्ले कर दिया पूरा का पूरा ख़त्म। और गेम प्ले हो चुका है इस समय यहाँ पे टीम का पूरा ओवर। और देख सकते हैं बाकी की टीम जो हमारे रॉयल एक्सम के प्लेयर यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे थे उनके साथ, सॉरी डोमिनेटर्स की टीम के प्लेयर जो नजर आ रहे थे उनको यहाँ पे दिक्कत हो चुकी है। माफिया की टीम के भी यहाँ पे अगली प्लेयर यहाँ पे संजीव बचे हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने जो इनकी दूसरी टीम जो खेलती हुई नजर आ रही है वो है यहाँ पे टोरानो ई स्पोर्ट्स की। तो टोरानो ई स्पोर्ट्स के यहाँ पे सामने बहुत ही अच्छा एक गेम प्ले दिखाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे जरूर क्योंकि ऑलमोस्ट देख सकते हैं नीचे की साइड पर खेलते हुए स्टेबलर का एरिया बहुत ज़्यादा लेकिन जोन के बाहर आता हुआ। अब देखेंगे कि बीच में ये कितना ज़्यादा अपने आप को बचाने में यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाते हैं क्योंकि स्मोक अगर यहाँ पे करते तो ये थोड़ा सा दिस इज नाउ ये अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब थोड़ी सी दिक्कत इस टीम को प्लेयर को यहाँ पे हो सकती है लेकिन रोटेशन डालने के लिए थोड़ा सा इन्होंने अगर करा तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखने वाली बात है डोमिनेटर्स की टीम यहाँ पे फिनिश ऑफ की जा चुकी है। सॉरी पैराडॉक्स ब्रदर, दिस विल बी वेरी क्रूशियल। यहाँ पे शॉट जाते हुए दिखाई देते हैं एक्सीआर को, यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ गया और यहाँ पे एक्सट्रीमली रेडिकुलस के एक प्लेयर दिक्कत में डाल दिए गए क्योंकि ऊपर से जो एक प्लेयर यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए लॉस ने यहाँ पे दिक्कत देने का सामना जो करना शुरू करा था वो टेरोरिस्ट का बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से होता हुआ नजर आया। शॉट यहाँ पे एक प्लेयर को और यहाँ पे दिखाई दे रहे थे लेकिन प्लेयर यहाँ पे जो स्मोक वहाँ पे जो करा रहा था उसको थोड़ा सा उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करा था लेकिन माफिया के संदीप जो है उनको वहाँ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब होते हुए नजर आए और पूरा रोटेशन डाल के निकलने में कामयाब हो गए। तो यही वो चाह रहे थे और उसमें ही वो सक्सेसफुल पूरा का पूरा होने में कामयाब रहे। बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा बेहतरीन हमें खेलती हुई यहाँ पे टीम, बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोमेंट यहाँ पे बनता हुआ टोरंटो ई स्पोर्ट्स का। और बाकी की टीमों को भी एक बार हम लोग देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे क्योंकि जो एक प्लेयर को यहाँ पे बहुत ज्यादा किया जाए सेंसे एक्सीआर को यहाँ पे दिक्कत दिया जाता है एक्सट्रीमली रेडिकुलस की टीम जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है तो उसको यहाँ पे शॉट देने की कोशिश यहाँ पे की जरूर गई थी इस प्लेयर के द्वारा। लेकिन देखेंगे बाकी यहाँ पे देखते हुए सामने वाली टीम को दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए स्प्रे डाउन करने की कोशिश यहाँ पे जो की जा रही है ट्रिपल एट राइजिंग के प्लेयर्स को वो थोड़ा सा उनके लिए एक क्रूशियल मोमेंट बन सकता था लेकिन परफेक्टली ट्रैकिंग नहीं कर पाए। अगर ट्रैक करते तो शायद यहाँ पे कामयाब हो सकते थे लेकिन देखना है कि कितना ज़्यादा बेहतर यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए क्योंकि दो प्लेयर हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ट्रिपल एट राइजिंग की और इसके साथ साथ एक टीम और जो हमें राइट एंड साइड में नोबडी नूज की टीम भी हमें दिखाई दे रही है जोन के बिल्कुल मिडल ऑफ जोन के अंदर बैठे हुए हैं। तो एक अच्छी पोजीशन को होल्ड ऑन करके जो इन्होंने यहाँ पे गेम प्ले निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी समझदारी का मोमेंट यहाँ पे बनता हुआ सामने वाली टीम को दिक्कत देते गाड़ी को ब्लास्ट आउट कराया जा रहा है क्योंकि ताकि रोटेशन करने में सामने वाली टीम को दिक्कत हो सके। और यहाँ पे एक्सट्रीमली रेडिकुलस की टीम ने यहाँ पे एक गाड़ी को अपनी खो दिया है जिसकी वजह से
उनको यहाँ पे रोटेशन डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लेकिन अभी भी बाहर की साइड पे खेलने की जो कोशिश यहाँ पे हो रही है, लेकिन अभी भी फिर भी जो है जोन के बिल्कुल मिड ऑफ द जोन के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि मिड ऑफ द जोन के अंदर यहाँ पे जो बाकी की टीम जो हमें खेलती हुई जो नजर आ रही है, नोबडी नूब्स की भी और साथ साथ ट्रिपल एड राइजिंग की, तो इनका जो है थोड़ा सा यहाँ पे अग्रेसिव लेवल जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि सामने वाली टीम्स जो है जो रोटेशन डालेंगी साथ के साथ बहुत ही अच्छा एक कैंप यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश, उनको और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, तो ये एक अच्छा मोमेंट बन सकता है इस टीम के प्लेयर्स के लिए, और देखना है बस बाकी कितना और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अपनी टीम को देखिए फाइनल शोडाउन के अंदर कोई भी एक आप जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा एक कवर लेने की जरूरत होती है और अपनी टीम को एक अच्छे लेवल तक ले आने की जरूरत होती है, क्योंकि उस लेवल के बिना आप जो है फाइनल शोडाउन के अंदर एक अच्छा नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूवमेंट यहाँ पे दिखाते हुए किंग का बहुत ज्यादा शानदार दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आए थे और बहुत दिक्कत देने में कामयाब भी हुए। थोड़ा सा यहाँ पे 30% हेल्थ के यहाँ पे टोरंटो ईस्पोर्ट्स के प्लेयर यहाँ पे जो लॉस थे उनको यहाँ पे देखने में रहे कामयाब, तो मुझे लगता है अब यहाँ से प्लेयर को प्रॉपरली यहाँ पे चेंज करने की जरूरत यहाँ पे पड़ जाएगी, और जो दिखा रहे किंग ने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही अच्छी गेम प्ले दिखाने की कोशिश डैप टैप टैप के साथ, और साथ के साथ बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं एक डीपी का जो बस शॉट्स है वो देने की कोशिश यहाँ पे करी और थोड़ा बहुत कामयाब भी हुए, एंड द जोन हैज बीन रियली रियली गुड टू बी द हार्ड शिफ्टेड टू द वेस्टर्न सदर्न साइड, क्योंकि और भी ज्यादा दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं। ओपन एरिया है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत मोमेंट यहाँ पे बन सकती है, अब टीम्स यहाँ पे जो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे उनको अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पे ब्लास्ट आउट की जा चुकी है उनको यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंट यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक्सएम के यहाँ पे गौड़ा भी दिखाई देने वाले हैं, शॉट यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे जरूर, क्योंकि रेस गॉड के एक प्लेयर जो ऊपर से जहरी की साइड पे जो बैठे हुए नजर आ रहे हैं हंटर्स की टीम के, वो जो है नॉकआउट ऑफ फिनिश करने में थोड़ी कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं। जेरी को आप इस समय देख सकते हैं और इसी के साथ भी नीचे की साइड पे जो बैठी हुई जो रेस गॉड की टीम है वो भी अब उन्हें जोन के अंदर बनना पड़ेगा शॉट्स लेने की, जो पूरी पूरी कोशिश हो रही है वो कामयाब होती हुई। डायब्लो ने यहाँ पे बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले दिखाया, 69XM के प्लेयर और बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं रेस गॉड का बहुत ज्यादा फाइनल स्प्रे हम लोगों ने देखने को यहाँ पे मिला, और यहाँ पे 69XM के जो एक प्लेयर डायब्लो थे रेस सॉरी यहाँ पे आईडी थी उनको यहाँ पे फिनिश ऑफ करने में, और जेरी का यहाँ पे फिनिश निकालने में बहुत ज्यादा शानदार यहाँ पे दिखाई दिए, देखने की कोशिश करते हैं बार बार, और यहाँ पे देखते हैं फ्यूजन की गैंगस्टर जो बचने में हमारे कामयाब होते हुए नजर आए थे मिड सोल के साथ साथ मिड नाइट सोल की टीम के साथ जो एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट करते हुए दिखाई दिए थे, उनको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्ट्रीमली यहाँ पे मूवमेंट करते हुए हम जो है इस समय नजर आने वाले हैं। जोन के अंदर बढ़ना बहुत मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, जोन इस समय पास ही है तो आराम से यहाँ पे इजिली जो है कनेक्ट करके जोन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन गेट कीप करते हुए आगे की टीम में जो यहाँ पे बैठी हुई TWMOG की टीम हमें दिखाई दे रही है उनको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, जैसे मैंने बताया था नेट की टीम शॉट यहाँ पे लेने की कोशिश होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन निकलने में कामयाब होते हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करते हुए निकल चुके हैं। यहाँ पे फ्यूजन कैंडिडेट यहाँ पे बस्ट आउट होती हुई बैक टू बैक अपने आप जाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दिए, तो और यहाँ पे दिक्कत का सामना होता हुआ यहाँ पे शॉट यहाँ पे कवर लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ चुके हैं, लेकिन बैक टू बैक राइट साथ होते हुए दिखाई देंगे अल्फा में पूरा 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 रोटेशन लेते हुए TWM के, और उनकी ज्यादा इस समय नेलुट के यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होती हुई दिखाई चुकी है, जोन के अंदर जाना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट बनता हुआ दिखाई दे चुका है, लेकिन देखना है तो बचाने कुछ यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी शॉट यहाँ पे कवर लेने की कुछ यहाँ पे करते हुए नेलुट को यहाँ पे बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले यहाँ पे अल्फा का पूरी टीम का यहाँ पे हो चुका है, तो फ्यूजन की टीम की दिक्कत यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ चुकी है, और इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं टीम का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले जो बनता हुआ दिखाई दे रहा था, अब उन्होंने गैंगस्टर की टीम को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता हुआ दिखाई दे चुका है, और बहुत ज्यादा दिक्कत मूवमेंट यहाँ पे फ्यूजन एक्सट्रीम की टीम को होता हुआ नजर आया जोन के अंदर, लेकिन मोड ऑफ मिड ऑफ द जोन के अंदर बैठना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता हुआ TWG की टीम को यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे आगे साइड पे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले, तो उनका यहाँ पे दिक्कत का सामना बनता हुआ यहाँ पे लॉर्ड की टीम का यहाँ पे वाइल्ड गैंग की टीम का हो चुका है बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरा, और देखेंगे यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे जो करते हुए दिखाई देंगे बहुत ही अच्छी एक स्मोक वॉल यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश, और गॉड आई को बचाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए हमें दिखाई देने वाले पैडल्स, क्योंकि दो प्लेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं शिवम भी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, साथ में सैवेज भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किए जा चुके हैं, सामने से डायब्लो अब बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो बाकी के प्लेयर भी हमें बचे हुए दिखाई दे रहे हैं 8-8 AAA राइजिंग के, उनको भी देखना मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखाई दे चुका है, लोन ग्रुप हमें दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं हंटर्स की टीम के जो बचे हुए यहाँ पे खेले, तो शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे जरूर, और देख सकते हैं प्लेयर यहाँ पे नीचे की साइड पे आते हुए जो दिखाई देने वाले 69XM के, तो उनको
यहाँ पे जो लोन वुल्फ है वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अभी जोन के अंदर ये इनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत इनको हो जाएगी जब अगर यहाँ पे अगर कनेक्ट होता है प्रॉपरली जोन तो, क्योंकि जोन आने में अभी 19 सेकंड बचे हुए हैं और 19 सेकंड बाद इनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जोन के अंदर स्लाइटली यहाँ पे धीरे 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 एग्रेसिवली बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि एक प्लेयर आप देख सकते हैं जो अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 69XM के, वो हैं हमारे प्रबल। और प्रबल यहाँ पे एक देख सकते हैं छोटा सा गमला बने हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ही टीम को भी देख लेते हैं। देवा को यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है 3C के, और बहुत ज्यादा दिक्कत है पेन प्रॉपरली अपने प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आने वाले हैं, क्योंकि सामने की टीम जो हमें बैठी हुई यहाँ पे 7XM की हमें दिखाई दे रही है, तो स्मोक वॉल के बाद अपनी टीम को यहाँ पे बचाने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जाएगी, अपने प्लेयर को यहाँ पे स्कोर और साथ क्या अपनी प्लेसमेंट को यहाँ पे सिक्योर करना बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता हुआ इस टीम के द्वारा। शॉर्ट हो सकता है डेबो को यहाँ पे पूरा पूरा फिनिश करने की कोशिश, मिन्नरसोल के प्लेयर जो हमें दिखाई दे रहे थे शार्क वो भी पूरी रोटेशन करते हुए नजर आने वाले हैं, और देखना बस बाकी रह गया कि कितना बेहतरीन यहाँ पे गेम प्ले दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। और प्रबल जब अकेले बैठे हुए नजर आ रहे तो शार्क को मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ जरूर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। नेट यहाँ पे शायद कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, क्योंकि शार्क को अभी भी जो है 50% हेल्थ इनकी जो है जाने में यहाँ पे कामयाब हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि दो प्लेयर इनको शायद पता नहीं है। गाइस लुक एट दिस, यहाँ पे नेट आता होगा परफेक्ट कुक नेट, दैट्स कॉल द गेम, साइलेंट लेटे हुए थे बिल्कुल, कोई जल्दबाजी का माहौल नहीं, नेट यहाँ पे परफेक्टली कुक करा और साइलेंटली यहाँ पे करा, और मिडनाइट सोल हैज बीन एलिमिनेटेड ऑन द 8th पोजीशन, और यहाँ पे दिक्कत हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शशांक हमें दिखाई देने वाले थे बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से 7XM के, और ऊपर की साइड से भी टीम हमें दिखाई देने वाली बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले यहाँ पे होता हुआ यहाँ पे रंगल की गेम के अंदर। रेस गॉड की टीम इस समय बहुत ज्यादा शानदार परफॉर्म करती हुई, प्रबल अभी भी जोन के बाहर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और ज्यादा मिड पॉइंट के अंदर लेके आना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो दिखाई दे चुका है। शॉट यहाँ पे लेने की कोशिश करते हुए रेडिकल्स की टीम को यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश, बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले, बहुत ज्यादा बैट ब्लोइंग स्प्रे हमें चरण स्पोर्ट्स के यहाँ पे लॉस का हमें दिखाई दिया, और बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे चुका है। एक प्लेयर को यहाँ पे बचाने वाले, लेकिन ब्लास्ट आउट के बाद इनको थोड़ा सा और दिक्कत बनाने की कोशिश स्मोक के साथ सामने वाली टीम का बहुत ही अच्छा एक विजन ब्लॉक करने की कोशिश यहाँ पे होती हुई थोड़ी सी यहाँ पे सक्सेसफुल बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और जोन यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल एज पे खेलते हुए निकाल नजर हमें आ रहे हैं, एक प्लेयर को ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट यहाँ पे किया जा चुका है, जो हमारी टीम खेलती हुई यहाँ पे 7XM की टीम के प्लेयर हमें जो नजर आ रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत का मोमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे चुका है। प्रबल अब अपने आप को यहाँ पे फर्स्ट देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाई दे, जितना हो सके मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे दिक्कत दे रही है, बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले परफॉर्म करके और सामने वाली टीम को एक नॉकआउट और देते हुए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पुकी हमें दिखाई देते हुए, और बहुत दिक्कत में आते हुए रेस गॉड की टीम इस समय बहुत ज्यादा गेम प्ले को परफॉर्म करने की, क्योंकि जोन के अंदर बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये देखना है कि 7XM की टीम अब कितना गेम के अंदर आ सकती है। चार टीमें हमें जो खेलती हुई इस समय जो नजर आ रही है, नो बड़ी नूब इस समय सबसे आगे चल रही है 6 फिनिशेस के साथ, और दिक्कत देने की सबको टीमों को बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव बनाती हुई और बहुत ज्यादा दिक्कत देती हुई नजर आ रही है। 7XM की टीम हमें देख नजर यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है, साथ के टोरानो ईस्पोर्ट्स की टीम हमें नजर आ रही है, और एक्सट्रीमली रेडिकुलस की टीम भी हमें यहाँ पे नजर आई, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता हुआ दिखाई दे चुका है। और अब देखना है धीरे 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 आगे सकते हो, टोरानो ईस्पोर्ट्स भी बहुत ही अच्छा शानदार गेम प्ले यहाँ पे दिखाते हैं 4 फिनिश के साथ, बिल्कुल एक प्ले को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए बहुत ही अच्छा ये UMP 45 ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिला लॉस के द्वारा, लॉस इस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा परफेक्ट गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे, एक नेट यहाँ पे परफेक्ट होता हुआ यहाँ पे चुकी है। और इसी के साथ भी जो दूसरी टीम हमें नजर आई टोरंटो स्पोर्ट्स की, ब्रिलियंटली परफॉर्मिंग नेट और बहुत ज्यादा दिक्कत वाला नोबडी नूब्स इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत में डालते हुए, और देख सकते हैं डेविल की टीम से डेविल को यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत दे चुके हैं, लेकिन परफेक्शन के साथ जो पीछे की साइड पर जो टीम हमें खेलती हुई जो नजर आ रही है एक हमें 7XM वो इस समय साइलेंट गेम प्ले परफॉर्म कर रही है, दो टीमों के बीच में अपने आप को यहाँ पे धीरे 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 उभारने की कोशिश, जोन के अंदर मिड ऑफ द पॉइंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे चुका है, तो नोबडी नूब वर्सेस होता हुआ 7XM यहाँ पे होता हुआ, नेट का यहाँ पे परफेक्शन के साथ यहाँ पे कनेक्टिंग मूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय।
देखेंगे ये टीम का यहाँ पे अग्रेसिव मूवमेंट यहाँ पे कितना बेहतरीन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। अपनी टीम को बचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं दोनों की दोनों टीमें। नेट यहाँ पे शायद के साथ देखेंगे और भी ज्यादा अच्छा ये परफेक्टली अगर कनेक्ट होने की कोशिश यहाँ पे करते हैं तो शायद यहाँ पे टीम का यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। गाड़ी का बहुत ही ब्रिलियंट है यहाँ पे जी शॉक के द्वारा और देखेंगे पूरा का पूरा गेम प्ले खत्म करने में पूरे कर रहे हैं यहाँ पे MK14 और यहाँ पे देख सकते हैं 7K यहाँ पे MK14 का यहाँ पे जादू यहाँ पे चलाने की कोशिश यहाँ पे होती भी दिखाई दे रही है। हर प्लेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा शानदार तरीके से गेम प्ले यहाँ पे दिखा रहे हैं। गुर्जर यहाँ पे दिखाई देने वाले डेविल ने बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कोशिश और देखिए जी शॉक 3v3 की पोजीशन यहाँ पे बनने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ चुके हैं ऑलरेडी और समय लेजेंड हमें दिखाई दे रहे हैं यून हमें दिखाई देने वाले हैं और देख सकते हैं बाकी की टीम किस तरह दिखाई देने वाली है। 6 प्लेयर हमें समय दिखाई नजर आ रहे हैं इस समय और सामने वाली टीम का बहुत ज्यादा दिक्कत वाला माहौल यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टीमें हमें जो खेलती हुई नजर आई थी और उनका भी थोड़ा सा अग्रेशन यहाँ पे मूवमेंट होता है। गोर्चन भाई हमें दिखाई दे रहे हैं साथ के साथ टीमों का भी थोड़ा सा यहाँ पे लिटरली मूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ जोन के अंदर बढ़ना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट बनता हुआ दिखाई दे चुका है। धीरे धीरे जोन के अंदर बढ़ना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है लेकिन अभी भी नोबडी रूप्स की टीम भी जाएगी तो अब और ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करती हुई और साथ के साथ उनके साथ जो दूसरी टीम खेलती हुई नजर आ रही है 7x1 दोनों की टीम का माइंड ब्लोइंग यहाँ पे जी शॉक इस नए रुकने का नाम नहीं ले रहे बहुत ज्यादा दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए जी शॉक का प्लेयर यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे बहुत ज्यादा दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सीलेंट गेम प्ले परफॉर्मिंग यहाँ पे हो चुकी है बहुत ज्यादा शानदार तरीके से और देख सकते हैं 7x1 has been done it and taken the chicken dinner of the wrangle और अपनी बढ़त यहाँ पे बढ़ाने में रहे पूरे पूरे कामयाब। This is called the real final showdown और ये हो सकता था बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव। This is called the real action my friends, this is called the real action, this is called the real final showdown। आप ये कभी नहीं देखोगे कि ऐसा कितना मतलब ये एक तरीके से अंडरडॉग है यहाँ पे देखो प्रोफेशनल टीम एक दूसरे से बेट रही है मार रही है एक दूसरे को अग्रेसिवली मूवमेंट दिखा रही है Brilliantly perform। तो मैं यहाँ पे कैप्टन निकलने लेता हूँ आपसे एक छोटा सा ब्रेक मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। अभी भी 2 मैच बाकी हैं हमारे फाइनल शो डाउन के फाइनल में तो आप लोग कहीं मत जाइएगा मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो डोंट गो एनीवेयर एंजॉय द म्यूजिक। Poppin' homie day and night. Got the party jumpin', bout to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light.
the mirror with my hand. Hear the shadows follow me over the hills in the evergreen. Trade my soul for a chance to carry on into the wild. Let me go.
Don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. On my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm buying chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm motherfucking running this. I ran in the truck with the truth, running, get it what it do. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. We'll be right back.
happen, still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never slipped, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, throw the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Blood to my hands, got swords to my gunners. They'll be notorious, yeah, young gunners. Blood to my hands, got swords to my gunners. These warriors, yeah, young gunners. Blood to my hands, got swords to my gunners. Blood to my hands, got swords to my gunners. Put on my strap, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would, and now I'm running. You don't wanna follow me, I'm on the fucking front of this. I ran in the truck, with the truth, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. We'll be right back.
sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the mind piece. Looking for the love inside me. Inside me. We'll be right back.
तो वेलकम बैक गाइस, और मैं आ गया हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कास्टर कैप्टन मैकलेन, और जो करता है आपका बहुत 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 स्वागत। और अभी आपने देखा कि 7XM की टीम ने मतलब कमाल ही कर दिया वहाँ पे गेम प्ले के अंदर, और इतना बेहतरीन मतलब परफॉर्म करके दिखाया कि मज़ा आ गया गेम प्ले का। तो वही चीज़ अब हमको देखनी है। अब लेकिन अब जो गेम प्ले है, अब जो मैप है, वो आप देख ही चुके होंगे, जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा द मोस्ट डेंजरस जंगल इन BGMI, दैट्स कॉल्ड शनॉक, जिसके अंदर ये जो कहा जाता है ये है सांपों की नगरी, वो वाला हिसाब आप लोगों को पता ही है। ऑलरेडी आप लोग सब इससे बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। तो यहाँ पे 66 प्लेयर, 67 प्लेयर हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो एंड में आप लोगों ने देखा बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग फाइट हम लोगों को जो देखने को वहां पे मिली, और मतलब शानदार गेम प्ले जो हम लोगों को देखने को मिला, मतलब उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। दैट्स कॉल्ड मतलब फेनोमिनल गेमिंग हमें देखने को मिली वहाँ पे। 7XM वर्सेस यहाँ पे होता हुआ नोबडी न्यू ऑफिशियल्स की टीम का प्लेयर गेम प्ले सुपर आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आया गेम प्ले देखने में। मुझे तो बहुत, आपको मज़ा आया नहीं आया, अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी बात करना और उनको भी देना, ताकि आप लोगों को अगर कास्टिंग थोड़ी सी अच्छी लगी या कुछ सजेशंस देना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ ज़रूर 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 बताइए। एंड द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड द मोस्ट फेनोमिनल द फैंटास्टिक गेमिंग हैज़ बीन बिगन, और यहाँ पे हो चुका है हमारा शनॉक के अंदर धीरे धीरे हम दिखाई देने वाले हैं, और यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे हम शनॉक के अंदर, और यहाँ पे हमें नोबडी नूब्स के आदि इस बार आदि हमें दिखाई देंगे, जो होंगे हमारे यहाँ पे पायलट, और बहुत ही मतलब फैंटास्टिक गेम प्ले हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि गेम आप लोग जानते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स गेमिंग इसके होती है, और टीम तो वैसे भी नोबडी नूब्स और साथ के साथ जो हमारी 7XM की टीम थी वो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक गेम प्ले खेलती हुई हमें दिखाई दी वहाँ पे। क्या ही कोऑर्डिनेशन, क्या ही गेम प्ले, क्या ही नेट स्ट्रेटजी, मतलब सुपर। तो ये गेम, और अगर ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि ये है आपका अंडरडॉग कप का फाइनल शोडाउन, तो फाइनल में आपको किसी भी तरीके का मतलब गलती की गुंजाइश नहीं है। साथ के साथ कोई भी ऐसी गेम प्ले आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसमें आपको कोई भी गलती हो और आप लोग इस गेम से बाहर हो जाए। सो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है शनॉक का गेम प्ले, और देखते हैं कि इस गेम प्ले के अंदर कौन सी वो टीम है जो बाजी मार के ले जाती है। फटाफट से देख ले, नजर आ जाते हैं। ओ द गेम, बहुत ज्यादा बेहतरीन हमें गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिला, जो हमारा जो आप देख सकते हैं वेस्टर्न नदन की तरफ से बनता हुआ सदन वेस्ट सदन ईस्ट की तरफ हमारे पास जाता हुआ बहुत ही सुंदर फ्लाइट पाथ डायगनली, और दो भागों में हमारे जो शनॉक के मैप को दो भागों में बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से डिवाइड करता हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी एक गेम प्ले यहाँ पे देखने को, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, खाओ जा सकते हैं इजिली, टेटमॉक पहुँचाया जा सकता है, साथ के साथ पैराडाइज रिजॉर्ट, लकावी, कैंपोंग, कैंप चार्ली बहुत ही ईजिली तरीके से, बोट कैंप आ रहा है मिड ऑफ द सर्कल, तो बोट कैंप में तो हॉट ड्रॉप जाता टीम हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी क्योंकि टूर्नामेंट्स के अंदर ज़्यादातर जिसे कहते हैं इजी एक्सेस फाइट से जो है वो टीम हमें देखने को वहाँ पे मिलती हैं, और जो पे पर्टिकुलर बहुत अच्छा एक क्लस्टर बनता हुआ नजर आएगा, हम वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर चलना और प्रेफर करना पसंद करेंगे। तो आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार गेम प्ले हमें दिखाती हुई ये टीमें जो हमें दिखाई दे रही है रेस गॉड की, तो रेस गॉड की टीम आप लोग देख सकते हैं हमारे कैंप अल्फा की तरफ यहाँ पे आते हुए दिखाई दी, इनके पास अभी कोई भी टीम नहीं खेलती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे TWM की टीम जो थोड़ा सा इनके आसपास खेलती हुई दिखाई दे रही है, जो जो सडनली एक पहाड़ी का एरिया होता है, जो एक हमारा रूइंस की तरफ से जो एक बहुत ही अच्छा एक जिसे कह सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट लुक एट दिस, ये देखिए तो बहुत ही अच्छी ये जो टीम हमें एक नज़र आ रही है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार, यहाँ पे हंटर्स की टीम हमें देखने को मिल रही है। तो उसी के साथ में जो हमारा ये ब्रिज यहाँ पे दिखाई देता है, उस ब्रिज को या इंटरकनेक्टेड करने वाली ये टीम्स हमें देखने को यहाँ पे मिलती हुई, और बहुत ही सुंदर नज़ारा ये टीमों का मुझे बनता हुआ यहाँ पे नजर दे रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे TWM की टीम हमें खेलती हुई नज़र आ रही है, और दूसरी साइड पे अगर हम एक बात करें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार टीम जो दूसरी हमें दिखाई दे रही है वो कैंप अल्फा की तरफ हमें दिखाई देने वाली है। ऊपर की साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे राजू हमें बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक साइड पे हमें यहाँ पे हंटर्स की टीम भी दिखाई दे रही है। तो बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल गेमिंग हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगी इस टीम के द्वारा,
और देखने वाली बात है कि बहुत ही ज्यादा शानदार गेम प्ले परफॉर्म करने का मौका सारी टीमों को मिलेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि यही एक बहुत ही अच्छी एक मोनोपोली होती है टीम के द्वारा, जो एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले हमें देखने को इस टीम के द्वारा हमें मिलता है। तो फटाफट से जैसे देख सकते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक हार्ड शिफ्ट हमें देखने को मिला, जो हमें देखने को मिला ईस्ट नॉर्दर्न साइड की तरफ जोन हमारा पूरा पूरा शिफ्टेड होता हुआ दिखाई दे चुका है, जिसमें ऊपर की साइड पर अगर हम देखें तो खाओ के एरिया के बाद नोबडी नूब्स की टीम ये हमें लूट करती हुई नजर आ रही है, और बहुत ही ज्यादा और सारी टीमों के मतलब ऑलमोस्ट किसी का भी जो है बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, हैं लेकिन जिसे हम एक चीज ये कह सकेंगे एक दूसरे से एडवांटेज इनका लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो टीमें अर्ली एक्सेस में जो फिनिश ऑफ हुई थी, अब जैसे डॉग देख लेते हैं तो डॉग का एरिया इनके पास दो टीमें हमें खेलती हुई नजर आ रही है, माफिया ईस्पोर्ट्स और एक टीम जो नजर आ रही है वो है मिडनाइट सोल की, जिसमें आप देख सकते हैं बैट बॉय दिखाई दे रहे हैं, साथ के साथ यहाँ पे पोपट लाल चोर भी हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या ना क्या क्या नाम रखते हैं यहाँ लोग क्या क्या नाम रखते हैं। ये मैच में कमबैक होगा, बिल्कुल होना चाहिए ब्रदर लॉर्ड यश ब्रदर, बिल्कुल होना चाहिए 69 एक्सएम, बिल्कुल अक्षय गोस्वामी जी वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ डोंट वरी, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप लोगों का जो है बहुत ही अच्छा एक कमबैक देखने को मिले, और टीम्स भी सारी की सारी ये चाहती हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें लॉर्ड की टीम हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इस समय, ये जो आ चुकी है यहाँ पे खेलते हुए वेक्टर हमें जूनियर, और साथ के साथ यहाँ पे लेडी भी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं बहुत ज्यादा शानदार तरीके से, और 69 टीम की भाई पहचाना मुझे, बिल्कुल पहचाना स्टोन ब्रदर वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हैं ब्रदर आप, कैसे हैं ब्रदर, आपके आने का बहुत 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 धन्यवाद ओशन स्टोनर वाईडी ब्रदर, थैंक यू सो मच आपके आने का, और देखते हैं 69 एक्सएम की टीम हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, प्रबल हमें दिखाई दे रहे हैं, और ऑलमोस्ट इनके पास जो देखते हैं नोबडी नूब्स की टीम भी नजर आ रही है, साथ के साथ हमें जो टीम एक नजर आ रही है वो है हमारी लॉर्ड की टीम के साथ ही हमें यहाँ पे दिखाई देने वाली जो एक है एक्सएम, जिसे कहते हैं एक्सएम की टीम हमें दिखाई दे रही है जो है रॉयल एक्सएम, और नेट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई जरूर देंगे, नेट को प्रबल को देने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जाती थी लेकिन बचने की पूरी कोशिश होती हुई दिखाई दे चुकी है, क्योंकि बैक साइड से आप देख सकते हैं नोबिता में नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे पैराडाइज रिजॉर्ट के अंदर बहुत ही सुंदर एक गेम प्ले देखने को मिलता हुआ सारी की सारी टीमों के द्वारा, तो ये आप लोग इस समय देख सकते हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता हुआ पैराडाइज रिजॉर्ट का, और अब देखने वाली बात है कि सामने एक साइड पे हमें जो टीम लॉर्ड्स की दिखाई दे रही है नीचे की साइड पे, और ऊपर की साइड पे हमारे रॉयल एटम्स की टीम हमें देखने को यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है, तो ऑलमोस्ट देखेंगे बैक टू बैक यहाँ पे एक प्लेयर और हमें आते हुए रॉयल आइटम के दिखाई देंगे जरूर, और पीछे की साइड से जाके रोटेशन लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए हमारे लॉर्ड की टीम के यहाँ पे नोबिता ये बहुत ही अच्छा एक एरिया दिखाने की कोशिश यहाँ पे करी जरूर जा रही है, शॉर्ट यहाँ पे लेने की कोशिश यहाँ पे की जरूर गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट इस टीम के पास जो एक टीम और हमारी 69 एक्सएम की टीम दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा रोटेशन करती हुई एक अपर हिल की तरफ जाके जा पहुंची है, जो थोड़ा सा जिसे आप देख सकते हैं बैक टू बैक यहाँ पे जो हमारा पैराड रिजॉर्ट जहाँ से शुरू होता है उसके पास ये ऊपर की साइड से देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे जरूर, प्रबल यहाँ पे राइट साइड से आते हुए दिखाई देने वाले हैं, लेकिन सामने की साइड पर जैसे आप देख सकते हैं एक्सएम के यहाँ पे रॉयल देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे, शॉट यहाँ पे दिखाई देने की कोशिश यहाँ पे होती हुई जरूर आई थी, और बचने की जो थोड़ी सी गुंजाइश थी वो थोड़ी सी होती हुई दिखाई दी 69 एक्सएम के, लेकिन एसवेज यहाँ से बच के निकलने में थोड़े से कामयाब होते हुए नजर आए, और बाकी की टीम को थोड़ा सा और यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जाएगी, शॉर्ट यहाँ पे देख लेते एक बार हमें देखते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे मिड ऑफ द जोन के अंदर जो हमारा प्रिय ड्रॉप, इसमें हमें ऑग देखने को मिलती हुई बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमें ये देखने को यहाँ पे मिलता हुआ, और इसी के साथ जैसे कि हम जानते हैं लॉर्ड की टीम भी 69 एक्सएम के अपोजिट यहाँ पे खेलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें शिवम और बाकी की टीमें भी हमें यहाँ पे दिखाई देने वाली हैं, लूट ऑलमोस्ट यहाँ पे करते हुए दिखाई दे चुके हैं, यहाँ पे आप देखते हैं जो टीम हमें दिखाई देगी लूट करती हुई वो सबसे ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे दिखाई देने वाला है, क्योंकि डोमिनेटर्स की टीम के जो अगेंस्ट हमें तीन चार टीमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो एक टीम है हमारी 88 राइजिंग की, जो हमें यहाँ पे CIS किंग के साथ 7S XM जो पिछले मैच के बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले हमें देखने को यहाँ पे मिलता हुआ इस टीम के द्वारा, और यहाँ पे शॉट लेते हुए एक प्ले को यहाँ पे नॉकआउट करने में पूरे के पूरे कामयाब रहते हुए टीम के प्लेयर हमें दिखाई दे रहे हैं, डोमिनेटर की प्लेयर को यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉकआउट यहाँ पे किया जा चुका है जो हमारे दूसरा प्लेयर है जो है हमारा राइजन, लेकिन धीरे धीरे देखिए पोपट लाल भी जो ऊपर की साइड पे बैठे हुए हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए हमें बाकी की टीम हमें देखने को यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है जो है मिडनाइट सोल की, आप देखेंगे कि टीम यहाँ पे ऊपर की साइड पे आती हुई, क्योंकि एक प्लेयर को जब नॉकआउट यहाँ पे किया गया
तो उसको यहाँ पे बचाने के लिए दो प्लेयर तो ऑलरेडी उसके आसपास यहाँ पे होने होने चाहिए, क्योंकि शॉट यहाँ पे आते हुए दिखाई जरूर देंगे। पोपट लाल भी ऊपर की साइड से सामने वाली बैटिंग टीम को बहुत ही अच्छा बैक कवर यहाँ पे देते हुए नजर आने वाले हैं। शार्क पे शार्क दिखाई देंगे, शॉट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे चुका, लेकिन एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करने में बहुत ज्यादा शानदार तरीके से यहाँ पे दिखाई दिया। बटिंग कोशिश यहाँ पे होती हुई, लेकिन शार्क यहाँ पे नेट सोल ने यहाँ पे एक प्लेयर को यहाँ पे दिक्कत का सामना करते हुए यहाँ पे दिखाई देने वाले थे, लेकिन डोमिनेटर्स की टीम ने यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत दे दी। किरण ने यहाँ पे नॉकआउट अपनी शॉक करने में पूरा हो रहा, गेम प्ले पलट कर रख दिया सामने वाली टीम का पूरा बुराई, लेकिन एक प्लेयर की यहाँ पे कैजुअलिटी यहाँ पे सेक्सी की यहाँ पे होती हुई नजर जरूर आई। लेकिन अब देखना बाकी रह गया है कि बाकी के यहाँ पे वाइल्ड किंग के साथ खेलते हुए यहाँ पे बिग डैडी बिग डॉग यहाँ पे किस तरीके का गेम प्ले यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि किरा के साथ होता हुआ बहुत ज्यादा बैटिंग गेम प्ले बनता हुआ दिखाते हैं। किरा यहाँ पे शॉट यहाँ पे लेते हुए और एक प्लेयर को नॉकआउट देने की कोशिश यहाँ पे होती हुई, लेकिन बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ बैक टू द बैक और डोमिनेटर की टीम को यहाँ पे बहुत ज्यादा बैटिंग गेम प्ले परफॉर्म करने के बाद तीन फिनिशेस खेलते हुए हमारी ये टीम मिडनाइट सोल की जो एक कैजुअलिटी के बाद भी अपनी टीम्स को यहाँ पे निकाल ले यहाँ पे बचाने में रही पूरी की पूरी बरकरार। नीचे की साइड से आ चुकी है बैक टू बैक यहाँ पे टोरंटो ईस्पोर्ट्स जो हमारे एड के सर्कल तक में टीम हमें दिखाई दे रही। कैसे हो भाई आप? मैं बहुत अच्छा हूँ ब्रदर, मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट गेम 18th पोजीशन, देखो लाइनअप चेंज किया, बढ़िया बढ़िया लॉर्ड ब्रदर, बढ़िया होना चाहिए। गेम के देखिए गेम के अंदर पर्टिकुलर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि चेंजेस जो है वो होते रहने चाहिए टीम के, क्योंकि अगर आप गेम के अंदर थोड़े से भी चेंजेस अगर नहीं लेके आओगे तो वो आपका थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे। तो गेम्स के अंदर थोड़ा बहुत या लाइफ के अंदर जो है इंसान को हमेशा चेंज अपने अंदर लेके आना चाहिए। स्लॉट 15 विकी जॉर्ज वेलकम टू द स्ट्रीम दादा दोबारा से, और फ्लैश हमें देखने को यहाँ पे मिलते हुए अंतिम का यहाँ पे शॉट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे गए। और देखते हैं मिड ऑफ द जोन के पास यहाँ पे बाकी की टीम जो हमें दिखाई दे रही है, अननोन की टीम में यहाँ पे नोबिता को जो नॉकआउट यहाँ पे करा गया उसके साइड यहाँ पे शॉट्स आते हुए बाकी की टीम के भी 69 XM की टीम अब धीरे 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 रश के मूवमेंट में आती हुई दिखाई दे रही है और अंदर के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश। शिवम यहाँ पे बहुत ही अच्छा है एक कवर फायर देते हुए यहाँ पे सर्वेज को, लेकिन ऊपर से आप देख सकते हैं रॉयल एटम की टीम के दो प्लेयर यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये टीम आप देख सकते हैं इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ चुकी है और लॉर्ड की टीम बहुत ज़्यादा दिक्कत में, क्योंकि दो प्लेयर एक प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नॉक पड़े हैं, विक्टर भी यहाँ पे नॉक पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ बाकी जो जूनियर अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेडी यहाँ और जूनियर ये दो प्लेयर यहाँ पे बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी टीम यहाँ पे लॉर्ड की टीम यहाँ पे 17 पे है, लेकिन अपने आप को बचा के रखना थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट होता हुआ नजर आ रहा मुझे जरूर रहा है, क्योंकि बाकी की टीम जैसे आप देख सकते हैं रॉयल आइटम की टीम बहुत ही अच्छा दो फिनिशिंग साथ खेलती हुई नजर आ रही है, सामने वाली टीम 69 XM की मुझे लग रहा है कि सामने बेहतरीन जवाब देने की कोशिश गॉड आए यहाँ पे एक जरूर दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। प्रबल ने देख सकते हैं यहाँ पे दिक्कत में डालना शुरू कर चुके हैं और ऑलमोस्ट एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। तो शिवम यहाँ पे सामने वाली टीम को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत जरूर देंगे, 50% हेल्थ यहाँ पे खत्म होने की कगार पे आती हुई, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा और बेस्ट लेवल गेम प्ले कितना दिखाने में कामयाब हो सकते हैं ये देखना बाकी है। गनर अब यहाँ पे शॉट आते हुए दिखाई दे, लेकिन बचने की कोशिश, लेकिन लगते हुए रिटेलिएशन शॉट देने की कोशिश यहाँ पे की जरूर गई थी, लेकिन और बेटर यहाँ पे हो सकता था, लेकिन अपने आप को आप नहीं बचाते हुए नजर आने वाले, क्योंकि बैक टू बैक अब यहाँ पे आते हुए लॉर्ड की टीम का बहुत ज्यादा गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देने वाला था और एक प्ले को ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट करने में कामयाब दिखाई दे चुके हैं। लेकिन देखते हैं अब यहाँ पे कितने दो प्लेयर यहाँ पे जूनियर ऑलरेडी किस तरीके का गेम प्ले हमें दिखाने में कामयाब यहाँ पे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं एक प्लेयर को यहाँ पे देख सकते हैं एक फिनिशिंग के साथ इन्होंने अपना खाता खोलते हुए यहाँ पे हमें दिखाई देते हुए लॉर्ड्स की टीम। और देख सकने वाली बात है कि पूरा का पूरा एक स्मोक वॉल बना के सामने वाली टीम को थोड़ा सा दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे दो फिनिशिंग के साथ रॉयल एटम की टीम से दिक्कत आ चुकी है। नेट यहाँ पे प्रॉपर्ली कनेक्ट होता हुआ और दिक्कत का सामना होता हुआ सामने वाली टीम को, गॉड आएगा बहुत ही अच्छा सिक्स एक्स स्प्रे। और देख सकते हैं यहाँ पे सामने वाली टीम के एक लेडी हमें चले हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय और निकलना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट हमें दिख सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी की टीम ने यहाँ पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोमेंट यहाँ पे बनते हुए दिखाया दो फिनिशेस के साथ, टीम का यहाँ पे गेम प्ले थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश यहाँ पे की जरूर गई थी। तो अब बैक टू बैक अब देखने वाली बात है कि लेडी अपने आप को बचाने में कितना कामयाब, मुझे लगता है चुपचाप यहाँ पे लेट जाना चाहिए नहीं तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। गुड गेम गुड गेम, बढ़िया गेम प्ले बनता हुआ टीम के द्वारा। अब चलते हैं यहाँ पे फ्यूजन की टीम के पास तो देखेंगे फ्यूजन की टीम सामने वाली टीम को यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हुए और बहुत ही अच्छा स्प्रे हमें रेस गॉल्ड की टीम को यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे डेस्ट्रो और बहुत नॉकआउट अपनी शॉप करते हुए भी हमें दिखाई देने वाला था। तो फ्लैश भी आप देख सकते हैं फ्लैश भी उसका बहुत ही अच्छा एक अपनी टीम को यहाँ पे देते हुए अपने टीम मेट का यहाँ पे साथ और सामने वाली टीम का एक फिनिश यहाँ पे चुराते हुए और दिक्कत देने की कोशिश रेस गॉड की टीम का यहाँ पे एक टीम का यहाँ पे फिनिश शॉप यहाँ पे करने में रहे पूरे पूरे कामयाब। डीएफब्ल्यू के साथ साथ दो टीम प्लेयर हमें खेलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। टीडब्ल्यूएम की टीम ऑलरेडी अभी यहाँ पे पानी में खेलती हुई हमें नजर आ रही है। तो मोस्ट यही हो सकता है कि जितना ज्यादा और बेटर यहाँ पे गेम प्ले दिखाने में कामयाब हो वो ज्यादा
इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखाई देगा, शॉर्ट्स यहाँ पे पड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं, लेकिन अपनी टीम का यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूजन की टीम या को थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा संभल की गेम प्ले यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रेस गॉड के जो एक प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ करा दिया गया था उनको यहाँ पे बचाने की कोई भी यहाँ पे छोड़ते नहीं दिखाने वाले, और एक प्लेयर को नॉकआउट और फिनिश ऑफ करने में कामयाब रहते हुए दिखाई देने वाले। डियाब्लो का बहुत ही अच्छा स्प्रे यहाँ पे बनता हुआ सामने वाली टीम का, थोड़ा सा प्रेशर में आती हुई हमारी फ्यूजन की टीम, और फ्यूचर की टीम का देख सकते हैं गैंगस्टर को जो नॉकआउट किया था उनको रिवाइव यहाँ पे ब्रायन को यहाँ रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आने वाले हैं गैंगस्टर, और देखते सकते हैं बहुत ही अच्छा सेंस है यहाँ पे एक्सटर्नल रेगुलर्स के। 3C की टीम बहुत ही दिक्कत में आती हुई दिखाई देगी, दो प्लेयर की यहाँ पे कैजुअलिटी के बाद गेम प्ले बनता हुआ इस टीम के द्वारा, और अब देखने वाली बात है एक्सेलर के साथ साथ हमारी टीम यहाँ पे सनसे एक साइड पे और दूसरी टीम दो प्लेयर के यहाँ पे रिवाइव करते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं, पेन हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और देखेंगे सासुके कितना बेहतरीन ये दो प्लेयर, क्योंकि दो प्लेयर ऑलरेडी कैजुअलिटी इनकी टीम के साथ यहाँ पे दिक्कत का सामना कर चुकी है, लेकिन अब नेट टू नेट कनेक्ट करने की कोशिश अगर यहाँ पे भी दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे तो शायद अपनी टीम को बचाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन पेन जो है वो दूर से बहुत ही अच्छा एक कवर फायर देते हुए अपनी टीम का देखने के लिए यहाँ पे बनता हुआ गेम प्ले बहुत ज़्यादा बेहतरीन, और साथ के भी उनका साथ यहाँ पे देते हुए सनसे यहाँ पे बैठे हुए हैं राइट हैंड साइड में, तो सनसे ने अगर प्रॉपरली यहाँ पे देखा तो टीम थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं यहाँ पे सास्के को, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं नेट टू नेट कनेक्ट होता है, लेकिन सास्के अपनी जगह से यहाँ से हट चुके हैं, और गेम जो है धीरे 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 यहाँ पे स्नेक गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, प्लेयर को यहाँ पे लूटने की कोशिश और ढूंढने की कोशिश यहाँ पे करते हुए जो है सनसे यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक पत्थर के ऊपर बैठ के हाइट का एडवांटेज लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, और देखेंगे यहाँ पे गुड़ निंजा हमें दिखाई देने वाले हैं, लेकिन दो प्लेयर अभी भी बहुत ही अच्छी गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, और यहाँ पे पेन देख रहे तक कि कोई भी प्लेयर की अगर प्रॉपरली यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्प्रे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है तो शायद उसको स्प्रे डाउन करने की जो कोशिश है वो उनकी यहाँ पे शायद कामयाब होती हुई दिखाई दे जाए, लेकिन सेंसे कोई भी टीम जो है इस लेवल के नीचे की साइड पे आने की कोई भी कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि अगर जाने की उनको पता है कि कोई ना कोई प्लेयर वहाँ पे जो कैंपिंग एरिया यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ जाएगा अगर नीचे की साइड पे गए, क्योंकि अभी आप जो गेम है जो प्रॉपरली जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा कैंपिंग होल्डिंग गेम बनता हुआ दिखाई दे चुका है, और जोन जो है बहुत ही एलिवेटेड सीट में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गेम प्ले थोड़ा सा हमें लेता हुआ यहाँ पे बूट कैंप का एरिया, और तो पूरा का पूरा कम से कम यहाँ पे थर्ड फोर्थ लेता हुआ हमारा पैराडाइज रिजॉर्ट हमें दिखाई देने वाला है, और मिड ऑफ द जोन के अंदर बांध का एरिया को भी लेते हुए मिड में बैठी हुई जो हमारी एक टीम जो नामे नजर आ रही है वो बहुत ज्यादा शानदार 69XM की, क्योंकि मिड ऑफ द जोन के अंदर खेलने से बाहर से आने वाली टीमों को यहाँ पे गेट कीप करके रोकना वो थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ। फ्यूजन डिस्टिंग की टीम भी हमें देखने को यहाँ पे मिलती हुई फ्यूजन XM, और उन्हीं के साथ जो बैक टू बैक हमें दिखाई देने वाली बाकी की टीमें भी दिखाई दे रही है जो है हंटर्स, और उसी के साथ खेलते हुए ट्रिपल एट राइजिंग, और यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे 7XM की टीम हमें जो है बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट गेम प्ले बन दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आ रही है। टोरंटो ईस्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखा रही है, क्योंकि इसी लेवल के ऊपर माफिया की टीम भी हमें पिछले मैचेस के अंदर काफ़ी टीमें जो है बहुत जल्दी 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 जैसे मैं हमेशा बताता हूँ खत्म होने की कगार पे आ गई थी, तो उसके साथ उनको थोड़ा सा और बेटर यहाँ पे मूवमेंट करना पड़ जाएगा। और गाइस अगर आप लोग भी अच्छे 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 टूर्नामेंट अगर खेलना चाहते हैं जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो फटाफट से हमने जो पिन कर रखा है उस पर जाके हमारी टीम को आप यहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी है साथ क्या व्हाट्सएप भी है, और यहाँ पे हमारे मैनेजरशिप पे भी ऑर्गेनाइजेशन से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले नए नए टूर्नामेंट्स का जो अपडेट है वो आपको यहाँ पे इजिली मिलता रहे, और आप भी जो है बहुत ही अच्छे अच्छे गेम प्ले यहाँ पे खेले और मुझे भी आप लोगों के लिए कास्ट करने का मौका मिले, तो थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए। ओपी कास्टिंग ब्रो थैंक यू सो मच, यहाँ पे स्टोनर वाइटी ब्रदर थैंक यू सो मच। तो आप देखेंगे मिड ऑफ द जोन के अंदर बाकी की टीमें जो है धीरे 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 जोन के मिड ऑफ में आती हुई दिखाई दे चुकी हैं, और 69XM की टीम के पास जो ऑलमोस्ट हमारी टीम जो है एक्सट्रीमली रेडिकुलस की आ चुकी है, ये भी ऑलमोस्ट इनका भी जो है बहुत ही अच्छा एक गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ इस टीम के द्वारा, और शॉर्ट देखेंगे डी सिंक हमें दिखाई देते हुए बाकी टीम के दिखाई देने वाले हैं, और देखेंगे दिक्कत यहाँ पे होती हुई दिखाई दे चुकी है बाकी की टीमों के द्वारा, शॉर्ट यहाँ पे कवर लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए युगॉन ने यहाँ पे बहुत अच्छा डी सिंक को यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, निलुट यहाँ पे ऊपर की साइड से आते हुए दिखाई देने वाले हैं क्योंकि सामने वाले प्लेयर की कॉल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे आती हुई दिखाई दे चुकी होगी, क्योंकि एक प्लेयर अगर सामने से दिखाई देगा तो उसको यहाँ पे सॉरी बता दिखाई देने वाला है, तो उनको यहाँ पे रोकने में थोड़ा सा यहाँ पे कामयाबी इनको मिलनी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं सामने जो युवान हमें लेटे हुए दिखाई दे रहे एक बहुत ही अच्छी जिसे कहते हैं स्नाइपर टावर के पास, तो स्नाइपर टावर को भी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे हो सकती है अगर, क्योंकि बहुत ही अच्छी हाइट पे जो सामने हमें एक्सट्रीमली रेडिकुलस की टीम यहाँ पे बैठी हुई है तो उसको
और बेटर होगा। सामने की साइड पे जाती हुई जो हमें टेरोना ईस्पोर्ट्स की टीम यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके सामने यहाँ पे गीट कीप करती हुई हमें यहाँ पे एक्सट्रीमली ईस्पोर्ट्स की टीम यहाँ पे नजर आने वाली है। बहुत ज्यादा शानदार देते बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ यहाँ पे सामने वाली टीम का और दिक्कत का सामना होता हुआ एरो यहाँ पे रोकने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दो प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए यहाँ पे दिखाई देने वाले थे। एक प्लेयर को और पिटने की कोशिश यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। UMP 45 का एक थ्रो होता हुआ यहाँ पे जंप शॉट यहाँ पे लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए बैक टू बैक दिखाई देने वाले गुरु यहाँ पे बाइक साइड आते हुए दिखाई देते हुए यहाँ पे मनु भी यहाँ पे नॉकआउट पड़े हुए। गुरु को अगर यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फिनिश ऑफ हुए तो पूरी की पूरी टीम #15 के ऊपर यहाँ पे फिनिश ऑफ होती हुई दिखाई देगी। अपने प्लेयर को यहाँ पे बचाने में थोड़ा गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देने वाला है। अब देखेंगे एक्सेलर की टीम यहाँ पे दिखाई देने वाली है क्योंकि अपने प्लेयर को यहाँ पे किस तरीके बचाया जा सकता है। टीपी भी लेते हुए और अपने प्लेयर को बहुत ही अच्छी स्मोक वॉल के अंदर बुलाने की कोशिश यहाँ पे करती हुई और एक्सट्रीमली रेडिकुलस की टीम इस समय बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करती हुई निंजे को देखते हैं। बैक टू बैक यहाँ पे पीछे से ग्रे निंजा सामने वाली टीम का आता हुआ स्प्रे रोकने की कोशिश और अपने ऊपर हावी होने से रोकने के लिए थोड़ा सा दिक्कत का मोमेंट यहाँ पे बनता हुआ। गुरु यहाँ पे अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी टीम के प्लेयर के अगेंस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। फ्री नेड यहाँ पे कुक करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। फ्री नेड कुक अगर यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे कनेक्ट होगा तो सामने वाली टीम का यहाँ पे दिक्कत का माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता था और अपने प्लेयर को लेकिन बचने में दिखाई दे चुके थे। नेड यहाँ पे बैक चाहते हुए दिखाई दे गुरु यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉट आते हुए दिखाई दे गुरु को यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे लेकिन ब्रिलियंटली परफॉर्म गुरु का यहाँ पे देखा टेनो स्पोर्ट्स ने एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट जिसे कहते हैं कन्वर्शन यहाँ पे लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा शानदार होता हुआ दिखाई दिया और सामने वाली टीम का यहाँ पे बिल्कुल हेड कनेक्ट करने के बाद अपनी यहाँ पे हेल्थ बचाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले परफॉर्म करने की जो हो रही है ये कोशिश वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रेट निंजा यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर को यहाँ पे रिवाइव करने की जो पूरी कोशिश थी वो होती हुई कामयाब मुझे नजर आने वाली है। अब बैग से यहाँ पे फटाफट से एक काम करते हैं चलते हैं यहाँ पे लेडी के पास और देख सकते हैं लेडी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे धीरे 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 जोन के अंदर बढ़ना क्योंकि जोन अब मोस्ट ऑफ दिक्कत अब ज्यादा दिक्कत करेगा बहुत ज्यादा आपको डैमेज करेगा। कम से कम जो डैमेजिंग पावर है इसकी ये कम से कम आपकी जो 20% पर सेकंड के हिसाब से डैमेज करेगा तो ये आप देख सकते हो इस समय तो ये 15 जो मैंने 20 बोला था 15% यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे चुका है। तो इस समय दिक्कत यहाँ पे टीम्स को यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। 3C की टीम अब देखते हैं ससको हमें पेना हमें दिखाई दे रहे हैं ससार के साथ खेलते हुए क्लचिंग वो का यहाँ पे बनता हुआ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले इन टीमों के द्वारा यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता हुआ ये है कि जो जोन जो है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे शिफ्टेड होता हुआ दिखाई दे चुका है तो वो टीम ऑलमोस्ट यहाँ पे किस तरीके का गेम प्ले दिखाएगी ये थोड़ा सा एक एक्सेलेंट लेवल यहाँ पे दिखाई देगा हंटर्स की टीम के द्वारा क्योंकि 3 प्लेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे हंटर की टीम के जिंदा है जिसमें नोबडी नूब्स के पास जिसमें 3 फिनिशेस के साथ खेलते हुए डेविल 2 पे हैं 4 फिनिशेस खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे हंटर्स की टीम अभी भी 0 फिनिशेस पे खेल रही है और साथ के साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो पुकी को जो नॉकआउट किया गया था उनको जो है स्नाइपर किड बहुत ही अच्छा बेहतरीन यहाँ पे रिवाइव करते हुए जोन आता हुआ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट वे में और जोन के अंदर बनना अब बहुत ज्यादा जरूरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जोन इस समय जो आपको करेगा तो ये आपका समय 30% डैमेज पर सेकंड के हिसाब से ये जोन यहाँ पे करने वाला है। तो अब देख सकते हैं ऊपर जाते हैं डैमेज को देने की कोई यहाँ पे ग्रेड कुक नॉकआउट करते हुए पूरा का पूरा गेम प्ले बनता हुआ बहुत ज्यादा शानदार लेवल। अब देखने वाली बात यह है कि बैक टू बैक आगे साइड पे दिखाई देने वाले सामने वाली टीम हमें किस तरीके का गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करती हुई दिखाई देगी क्योंकि ऑलमोस्ट ऊपर की साइड पे अपन साइड में जो बैठी हुई टीम हमें नजर आ रही है वो दिक्कत देने की कोशिश होती हुई दिखाई दे चुकी है। तो सामने वाले देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले हमें वाइल्ड गैंग के द्वारा यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता हुआ और सामने वाली टीमों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत देते हुए डियाब्लो को यहाँ पे नॉकआउट और फिनिश ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए सास्के हमें दिखाई देने वाले। तो सास्के का गेम प्ले बनता हुआ बहुत वेल लेकिन रैक टू बैक से यहाँ पे नोबडी नूब के आदि ने बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले हमें करके हमें दिखाया और देखेंगे किंग्स के साथ साथ यहाँ पे राइट साइड पर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए किंग वाइटी और उनके साथ खेलते हुए वाइट गैंग की टीम को यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश बहुत ही अच्छा एक्सलेंट स्प्रे देने की कोशिश करते हुए यहाँ पे किंग गेडी और पीछे से यहाँ पे जो बैक टू बैक यहाँ पे टीम प्लेयर यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे तो उसको यहाँ पे दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ जाएगा। लेकिन एक्सेलर हमें देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली रेडिकुलस की टीम बहुत ज्यादा एक्सेलेंट वे यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश 7 टीमें हमें खेलती हुई नजर आ रही है। नोबडी नूब की टीम भी इस समय जो है जोन के अंदर बढ़ने में थोड़ा सा धीरे धीरे कामयाब होती हुई नजर आ चुकी है। नेड यहाँ पे कनेक्ट होने का स्पोर स्मोक के साथ साथ जोन के अंदर बनना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इस समय अपने अपन साइड के अंदर ऊपर बैठे हुए हमें जो नजर आ रहे हैं सिंपलीफाई तो सिंपलीफाई यहाँ पे शॉट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन रिटेलिएशन शॉट्स आते हुए हंटर टीम के द्वारा एक लेगो यहाँ पे जो नॉकआउट किया था फ्लैश कौन कर रिवाइव करते हुए जैरी हमें दिखाई देने वाले। तो यहाँ पे जो बैक टू बैक यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे तो क्लच ने यहाँ पे देखा था फ्यूजन के क्लच को थोड़ा सा दिक्कत होता हुआ जोन के अंदर बनना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट बनता हुआ। नेलेट यहाँ पे राइट साइड से रोटेशन करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए और थोड़ा सा हंटर्स की टीम के ऊपर भारी करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आने वाले। एक पॉइंट यहाँ पे रिवाइव करना पड़ सकता था लेकिन आतंकी अभी भी यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए और बहुत ही अच्छा एक स्नेक बाइट गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे।
शॉट जहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे हो सकते हैं, हमें दिखाई देने वाले माफिया की टीम भी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे चुकी है, आतंकी यहाँ पे दिखाई देने वाले थे, लेकिन किंग ने उन्हें बहुत ही अच्छा यहाँ पे रोटेशन यहाँ पे करके दिखाया और गेम प्ले को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए फ्यूजन की टीम हमें देखते हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले फ्यूजन एक्सएम अपने प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव किया जा चुका है। पांच टीम हमें खेलती हुई नजर आ रही है जिसमें है हमारी नोबडी नूब्स की टीम हमें दिखाई दे रही है, साथ के फ्यूजन एक्सएम की माफिया और यहाँ पे एक्सट्रीमली रेडिकुलस और खेलते हुए हमारी बैक टू बैक हमारी जो टीम दिखाई दी व्हाइट कैंग की। तो बाकी टीम को देख सकते हैं कि फ्यूजन एक्सएम की टीम को छोड़कर बाकी सारी टीमें जो है वो दो दो प्लेयर्स के साथ खेलती हुई हमें इस समय नजर आ रही हैं। एक बहुत ही अच्छा मैं ड्रोन शॉट दिखाने की कोशिश करता हूं और टीम का यहां पे बहुत ही अच्छा पार्टी नेट यहां पे कनेक्ट करने की जो कोशिश यहां पे की गई थी किंग के द्वारा वो थोड़ा सा दिक्कत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव को यहाँ पे नॉकआउट ऑफ फिनिशअप करने की कोशिश यहाँ पे होती हुई पांच टीमें हमें खेलने की कोशिश। ग्रे निंजा ने बहुत ही अच्छा गेम प्ले का फायदा उठा के और जोन के अंदर बढ़ना जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता हुआ और प्ले से आप इस समय देख सकते हैं जोन से सबसे ज्यादा हमारे रेडिकुलस की टीम ऑलमोस्ट यहाँ पे फिनिश हो रही है। कवार पे ग्रे निंजा इस समय बचे हुए हैं अपनी टीम के द्वारा खेले और धीरे 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 जोन के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक प्लेयर हमारे जो माफिया की टीम के यहाँ पे किंग बचे हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया था और हंटर्स की टीम के प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ करा था, उसका यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई दे चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे खंजर हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और खंजर के साथ साथ मिड ऑफ द पॉइंट के अंदर हमें खेलती हुई जो है व्हाइट गैंग की टीम के एक प्लेयर हमें दो प्लेयर हमें दिखाई देने वाले उनको यहाँ पे दिक्कत देने को रेड की टीम भी दो ज़्यादा नॉकआउट यहाँ पे की जा चुकी है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूजन एक्शन की टीम के दो प्लेयर दिक्कत में आ चुके हैं और उनको यहाँ पे फिनिश ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जाएगी। तो माफिया की टीम के दो प्लेयर यहाँ पे दिखाई देने वाले, पीछे से यहाँ पे नोबडी नूब के दो एक प्लेयर आते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लग रहा है कि राइट हैंड साइड पे बैठे हुए जो गैंग की टीम हमें दिखाई देने वाले तो उसको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ग्रे निंजा भी अपने आप को देख सकते हैं, आप गेम जो है धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे स्नेक गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ और सामने वाली टीमों को यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई चार टीमें हमें खेलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे वाइल्ड गैंग नो बड़ी रूप दो माफिया और यहाँ पे एक्सट्रीमली रेडिकुलस की टीम बहुत ज्यादा बेहतरीन और इस समय जो है फैंटास्टिक जो मूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो हो रहा है हमारे व्हाइट कैंग के द्वारा। दो एक प्लेयर यहाँ पे बचे हुए मिड ऑफ द जोन के अंदर हमें खेलने की यहाँ पे कर रहे हैं कोशिश और नेड अगर परफेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो माइट भी हो सकता है तीन टीमें खेलती हुई नजर आ सकती है। नोबडी नूब साथ क्या वाइल्ड गैंग और बैक साइड हमें खेलते हुए माफिया जो है धीरे धीरे जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आने वाले हैं। नोबडी नूब्स की टीम के दो प्लेयर यहाँ पे बनती हुई जो पॉसिबिलिटीज है इस समय 2v1v1 की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई और बहुत ज्यादा मुश्किलें यहाँ पे क्रिएट होती हुई इस टीम के द्वारा और देखेंगे नेड और मॉली का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन बनता हुआ इस टीम के द्वारा। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, यहाँ पे टीम जो है बहुत ज्यादा एक्सेलेंट वे में यहाँ पे दिखाई देने वाले, धीरे 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 माफिया में बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं और एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए दिखाई दे चुके हैं। वो चुके एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट कर चुके हैं लेकिन धीरे धीरे देखते हैं माफिया ना यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है। नोबडी नूब के प्लेयर यहाँ पे दिखाई देने वाले, एक प्लेयर को यहाँ पे अपनी तरफ से खत्म करने की कोशिश यहाँ पे होती हुई दिखाई देने वाली है। आदि यहाँ पे किस तरीके देंगे, यहाँ पे यूएमपी वर्सेस ओएमपी होता हुआ दिखाई देने वाला है अपने प्लेयर को यहाँ पे और ज्यादा बेहतरीन। एक प्लेयर यहाँ पे 1v1 की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता हुआ अपने प्लेयर को यहाँ पे बुला चुके हैं और उनको रिवाइव करने की कोशिश। यहाँ पे 2v1 की सिचुएशन, एक नेड अगर यहाँ पे परफेक्टली अगर ये कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे माफिया तो इनको यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दे देंगे बहुत ज्यादा नोबडी नूब्स को और ऑलरेडी जो शॉट यहाँ पे होती हुई दिखाई दे, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करने में नहीं कामयाब, यहाँ पे सामने पर खेलते हुए दिखाई देने वाले लेकिन बैक टू बैक यहाँ पे एक साइड पे होते हुए दिखाई देने वाले। यहाँ पे आती है किंग वर्सेस, यहाँ पे किंग यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा और यहाँ पे नोबडी नूब्स है बैटिंग खेलते चिकन डिनर ऑफ द शैडो, दैट्स कॉल्ड द रियल गेम माय गॉड। लेकिन यहाँ पे किंग वर्सेस किंग हुआ और ब्रिलियंट परफॉर्म करके टीम ने क्या ही गेम प्ले यहाँ पे दिखाया, दैट्स कॉल्ड द ब्रिलियंटली परफॉर्म बाय दिस टीम। तो नोबडी नूब हैज बीन टेकन द चिकन डिनर ऑफ द शैनॉक, दिस इज कॉल्ड अग्रेसिव, दिस इज कॉल्ड द अग्रेशन राइट नाउ। ओहो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे रही, बहुत ज्यादा क्लोज मामला था दो टीम के द्वारा। दिस इज द फाइनल शोडाउन बाय द बीआर लेजेंड गेम। सो गाइस मैं लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, आप लोग एंजॉय कीजिए म्यूजिक और उसके बाद मिलेंगे यहाँ पे मेरा मार के अंदर। तो कहीं मत जाइएगा, ऐसे धुआंधार गेम प्ले आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक।
Talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out now. Hit the ignition. Now you listen. Hop up, up in the window. Smiler and smiler, you fade out. Hop up, up in the window. Yeah. You get it. Sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo-hoo, poor you. Please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies. You wanted my demise. Now you're watching me rise, rise, rise. Up, up in the window. Smiler and smiler, you fade out. Up, up, up in the window. I'm down and on my knees, and I'm made for war, as I'm told.
if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Thank you.
bitch. No, I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting while you're taking. I've been sipping cause I'm making. No regrets, I'm not assisting. Just gonna be what you wear, I'm not missing you, yeah. Take you home.
तो वेलकम बैक गाइस, और हम आ चुके हैं यहाँ पे वापस। और बैक आपने गेम प्ले देखा यार, नोबडी नूब्स ने मतलब कमाल कर दिया, क्या ही धमाकेदार गेम प्ले था। 1v1 की फाइट हमें वहाँ जो देखने को मिली, मतलब टीम माफिया और उसके बीच में नोबडी नूब्स के बीच में था, किंग वर्सेस किंग होता हुआ वहाँ पे दिखाई दिया। और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और एक्सीलेंट गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिला। जिसने नहीं देखा हो वो थोड़ा सा रिवर्स करके हाईलाइट देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ही बढ़िया गेम प्ले आप लोगों को यहाँ पे देखने मिला। ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या गलतियाँ हुई, क्या नहीं होनी थी। तो अगर आपको लगता है कि अच्छा है, अगर मेरी कास्टिंग आपको पसंद आ रही है, गेम प्ले अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन ऑन ऑल, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन, चाहे वो लाइव हो या अपलोडेड वीडियो, आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का आने का बहुत 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 शुक्रिया। तो अब हम लोग जो गेम प्ले देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिलने वाला है इस टीम गेम प्ले के द्वारा। तो बस यही अब देखना है कि ये मैच जो मेरा मार का मैच है, क्योंकि बाकी कल भी गेम प्ले होने वाला है, उसका गेम प्ले कैसा होता वो दिखाई देगा मिरामार के अंदर, क्योंकि ये जो गेम प्ले अब होने वाला है ऑलमोस्ट एक मिनट रह गया है 9 बजने में, और मिरामार का गेम प्ले जो है मैग्निफिसेंटली चालू हो जाएगा। तो उसको हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो टीमें पिछले मैच में जो कमाल नहीं दिखा पाई, जो शेनॉक के अंदर भी उन्होंने गेम प्ले देखा, तो वहाँ पे मिरामार के अंदर ये मुझे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव गेम प्ले लगेगा, क्योंकि कई टीमें जब तक BMCO की जहाँ पे स्टार्टिंग है जब होता हुआ दिखा, अपने प्रैक्टिस मोड वहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वालिफायर राउंड्स के अंदर जो स्टार्ट होंगे 4 अप्रैल से, उसके अंदर आपके तीन मैप्स होंगे, वो होंगे रेंगल, शेनॉक, मिरामार, और इसके बेसिस पे ही आपके 15 मैचेस होंगे। 15 मैचेस के अंदर 10 मैच आपके जो है बेहतरीन कंसिडर करे जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी होती भी हमें दिखाई दे रही है। और अच्छी बात है ये सारे ये जो मैप्स हैं वो आपको खेलने चाहिए, क्योंकि BMCO में जब आप लोग अगर बोलो खेलोगे, और अगर आप लोग वहाँ से क्वालिफाई करके जब आगे जाओगे 1024 टीम्स के अंदर, क्योंकि लाखों में रजिस्ट्रेशंस आती हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं 1024 टीम्स जो होती हैं वो वहाँ पे सलेक्शन होती है फर्स्ट टाइम इन गेम्स के अंदर, ऑनलाइन गेम्स जो वहाँ पे होते हैं, वहाँ से निकल के और ऊपर जाना दैट वॉज टेरिफिक। तो मतलब वहाँ पे अगर आप लोग ये मैप्स है, वैसे मेरे हिसाब से जो है एग्जैक्टली इसमें ये वैकेंडी भी डालना चाहिए था, तो और ज़्यादा मज़ा आता और ज़्यादा एक्सीलेंट होता। एंड द मोस्ट डेडलीस्ट डेजर्ट इन BGMI दैट्स कॉल्ड शेनॉक इज हियर। और आप देखेंगे यहाँ पे जो स्नाइपर्स का गढ़ माना जाता है, जैसे मैं हमेशा अपनी कास्टिंग में बोलता हूँ, वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लेयर हमें आते हुए कभी भी किसी भी टाइम यहाँ पे दिख जाएंगे, जो है डेविल। तो डेविल हमें नोबडी नूब्स के यहाँ पे दिख गए हैं, और आज के यही हमारे टाइबल पायलट होंगे, क्योंकि नोबडी नूब्स के सारे प्लेयर्स आज देख के करके जो है आज हमारे पायलट का रोल यहाँ पे निभा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी है। देखते हैं इस बार का फ्लाइट पाथ कैसा बनता है, क्या ये भी तुम आपका वेस्ट नदन की तरफ से होता हुआ सदन वेस्ट की सदन ईस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, कैसा होगा? यह डायगनली आपका नॉर्थ टू सदर्न में जाता हुआ ये दो भागों में डिवाइड करेगा, डायगनली एक वन साइडेड शोर पे हो जाएगा या सी शोर की तरफ बनता हुआ दिखाई देगा, वो तो थोड़ी देर में अभी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा यही हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि टीम्स की यही एक बहुत सी जो मेमोरीज रहती है वो रह जाती है। And here we go now. और यहाँ पे देख सकते हैं जो तो just like that to the Erangel की साइड से ये होता हुआ दिखाई दिया, बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले। तो अब इसमें बस देखिए थोड़ा सा अभी एक मोमेंट ये बनता है कि जो जाते हैं टेरा ब्रांका उनको थोड़ी सी यहाँ दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत से टीम्स क्या करती हैं एक पर्टिकुलर ड्रॉप लोकेशन जो है वो नहीं सेलेक्ट करके रखती हैं, ठीक है, या एक पर्टिकुलर ड्रॉप लोकेशन ही उनकी सेलेक्टेड है, वो वहीं जाना पसंद करती है। तो दैट इज़ नॉट माय टाइप, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस की बात करूं तो दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि पर्टिकुलर अगर एक बहुत अच्छा एक जोन कहीं पे बनता है तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख सकते हो तो वहाँ पे आप लोग कैसे उस चीज़ को देखोगे, वो चीज़ देखने का
एक अलग मोमेंट होता है कि मतलब वहां तक पहुंचोगे कैसे, क्योंकि जिस एरिया में अगर आपका ड्रॉप लोकेशन नहीं है तो आपको वहां का आइडिया भी नहीं होगा कि यहाँ पे कैसी लूट मिलेगी। वैसे तो ज्यादातर सबको आइडिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि टीम्स का। लेकिन जैसे लाख ओवेरिया जाया जा सकता था, लेकिन काफी टीम लाख ओवेरिया नहीं जा रही, लेकिन जाना चाहिए, बहुत अच्छी डिसेंट लूट मिलती है। रुइंस, रुइंस आप जा सकते हो, बहुत अच्छी लूट मिलती है। मतलब रुइंस के अंदर ना 5 लोगों के लिए लूट मिल जाएगी, बल्कि 4 लोग हम लोग खेलते हैं लेकिन 5 पीपल्स के लिए लूट मिल जाती है, इतनी अच्छी लूट मिलती है वहाँ। ठीक है, तो मिड में ज़्यादातर लॉस लेनरोस ज़्यादा पसंद करेंगे बाकी बाकी टीमें, क्योंकि पिकाडो, पिकाडो में आप लोग देख सकते हैं, पिकाडो में हमारी 2 टीमें यहाँ पे उतरती हुई दिखाई दे चुकी है। माफिया की टीम है 69XM, और साथ के साथ जो टीम हमारी जो वाइल्ड गैंग की दिखाई दे रही है उसके 1 प्लेयर हमें यहाँ पे वल्चर दिखाई दे रहे हैं, और अकेले ही अपनी टीम को आगे पहुँचाने के लिए शायद आज हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पे देखते हैं मोहित हमें दिखाई देने वाला है, 69XM के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं शिवम, और शिवम के साथ साथ यहाँ पे प्रबल भी देखने को मिलेंगे, सैवेज हमें देखने को मिलेंगे, गोल्ड गॉड आए हमें देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो अब धीरे 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 मतलब सारी टीमें हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो शॉट यहाँ पे मोमेंट होता हुआ दिखाई दे चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे गुरु का यहाँ पे हो चुका है सावेनर, और जिसका एक्सट्रीम रेडिकुलस की टीम हमें दिखाई देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें टीम दिखाई दे रही है टोरंटो ई-स्पोर्ट्स, तो टोरंटो ई-स्पोर्ट्स के साथ ही बहुत ही अच्छा एक फ्यूजन एक्शन यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा इस टीम्स के द्वारा। तो यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे मोमेंट यहाँ पे शुरू हो चुके, तो फ्यूजन वर्सेस होता हुआ यहाँ पे हमें देखने को मिलता हुआ बहुत ज़्यादा बेहतरीन 7XM की टीम, क्योंकि 7XM की 2 टीमों की यहाँ पे कैजुअलिटी होती हुई, और 2 पॉइंट्स यहाँ पे फ्यूजन की टीम के खाते में जाते हुए दिखाई दे चुके हैं फ्यूजन एक्सट्रीम की टीम के। तो अब देखना है कि बाकी की टीम के 2 टीम यहाँ पे किस तरीके दिखाएंगे। 69 की टीम के अभी ऑलरेडी यहाँ पे एग्जर्शन मोमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे चुका है। 69XM की टीम के पास एक बार चल लेते हैं, जिसमें शिवम को नॉकआउट किया जा चुका है, और अब देखेंगे धीरे धीरे जो माफिया की टीम है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे धीरे धीरे अंदर की साइड पर आ चुकी है, लेकिन टीजी की टीम जो वाइल्ड गैंग की टीम है इसमें अलग अकेले ही एक टीम हमें यहाँ पे दिखाई देने वाली है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जो प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करता है लेकिन अपने आप को बचाने की जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है ये होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्रबल इस समय जो बहुत ही अच्छे है, ये जो एरिया आपने देखा हुआ माना जाता है कि आईवी को नॉकआउट करा गया बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से सैवेज के द्वारा। एक प्लेयर जो आप देख सकते हैं नियांत ऊपर की साइड पर बैठे हुए दिखाई दे रहे, तो उनको भी यहाँ पे बहुत ही जल्दी फिनिश यहाँ पे किया जाएगा, प्रबल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही संजीव जो है वो अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे, तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि एक भी फुटप्रिंट नहीं देना यहाँ पे चाहेंगे। अगर बचे रहना है तो मुझे लग रहा है कि अगर प्रबल यहाँ से ऊपर से टैप करके अगर ऊपर की साइड से आते हैं तो यहाँ से संजीव के द्वारा शायद उनको दिक्कत का सामना यहाँ पे शायद करना पड़ जाए मोस्टली। तो देखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने आप को बचाने में, टीम को बचा पाते नहीं बचा पाते, क्योंकि वल्चर यहाँ से देखते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी वाइल्ड गैंग की टीम है सारी की सारी। इसीलिए कहते हैं गाइस जल्दी से जल्दी जो है आ जाना चाहिए, नहीं तो आप अकेले ही रह जाएंगे, और फिर वहाँ तक थोड़ा सा लेके जाना बहुत ज़्यादा क्रूशल मोमेंट बनता है टीम के द्वारा। तो नोबडी नूब्स की टीम के पास भी चलते हुए थोड़ा सा चलेंगे, यहाँ पे गुर्जर दिखाई दे रहे हैं, साथ के किंग एक्सडी दिखाई देने वाले आदि हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है फ्यूजन एक्सट्रीम की टीम जो हमें खेलती हुई जो नजर आ रही है एक्सट्रीम की, तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पे हो सकता है बहुत ही अच्छा क्लैश यहाँ पे हो सकता है 2 टीमों के द्वारा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो चुमासेरा का एरिया माना जाता है, ये जो हायर ग्राउंड का एडवांटेज यहाँ पे इन्होंने इस टीम ने ले रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है सामने वाली टीम के लिए, क्योंकि देख सकते हैं गुर्जर यहाँ से देखते हुए हमें नजर जरूर आ रहे हैं टीमों को। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे सामने जो संजीव है, तो संजीव का ज्यादा पिकाडो में यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले हो सकता था संजीव, और यहाँ पे आप देखने सकते हैं कि पिकाडो के अंदर जो प्लेयर हमें दिखाई देने वाले संजीव, संजीव ने यहाँ पे जो है एक प्लेयर को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत में डाल दिया गया और फिनिश ऑफ भी कर दिया गया। मुझे लग रहा प्रभु को यहाँ पे फिनिश ऑफ भी करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी, अब संजीव यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे लेटे हुए नजर आ रहे हैं, तो क्योंकि आने का जो रास्ता है वो एक ही है, तो मुझे लगता है कि अब इस रास्ते से जो है कोई भी थोड़ा सा मतलब दोबारा नहीं आना चाहेगा यहाँ पे 69XM की टीम का। अगर यहाँ पे नेट कनेक्ट कर सकें तो शायद संजीव को कोई दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि बहुत ही अच्छा एरिया माना जाता है इस टीम के द्वारा, और सैवेज भी यहाँ पे ऊपर की साइड पर आ चुके हैं, तो जल्दबाजी करने की कोई नौबत नहीं, क्योंकि संजीव पूरी की पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं एक हार्ड स्कोप करके, और प्लेयर्स को ऑलरेडी पता लग ही चुका है क्योंकि तैयारी करके आ ही चुके हैं, और अब देखेंगे कि इसका यहाँ पे अगर हंट हो तो हंटर हट करते हैं या हंटेड हो जाते हैं, ये थोड़ा सा एक बेटर मोमेंट देखने की कोशिश यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्योंकि संजीव चाहे तो नीचे की साइड से यहाँ पे जंप करके निकल सकते हैं, लेकिन अब देखना बस ये है कि क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे बच के निकलने में, या ऑलमोस्ट यहाँ पे जोन के, क्योंकि अभी जोन के अंदर ही ऑलमोस्ट टीम यहाँ पे खेलती हुई नजर आ रही है, तो उनको थोड़ा सा और बेटर यहाँ पे हो सकता है। जैसे मैंने बोला था नेट यहाँ पे कनेक्ट होता है, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा हाइट पे था नेट, बॉल यहाँ पे कनेक्ट जरूर की गई,
थोड़ा सा यहाँ पे लेकिन बचने की हो गई थी, क्योंकि राइट साइड पे मौली जाती भी, अगर ये परफेक्ट गिरती तो शायद संजीव को थोड़ी सी यहाँ पे कैजुअलिटीज का सामना यहाँ पे देखना पड़ सकता था। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारी खेलती है एक्सट्रीम लेडीगोस की टीम हमें खेलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे टेरोनोई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट, और साथ के साथ हमारे यहाँ पे दिखाई देने वाली एक टीम की जो कैजुअलिटी हो चुकी है ट्रिपल राइजिंग। ये आज टीम बहुत ज़्यादा ही मतलब अगर अच्छे गेम प्ले को परफॉर्म करती तो है, लेकिन मुझे इस समय जो है बहुत ही अच्छा गेम प्ले नहीं दिखाई दे रहा है इनके द्वारा, और शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करेंगे जरूर हॉक, लेकिन अपने प्लेयर को यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, क्योंकि पूरा का पूरा एक एरिया यहाँ पे जो सिक्योर करता हुआ दिखाई दे चुका है लूजर के द्वारा। और देखेंगे हॉग यहाँ पे शॉट यहाँ पे कनेक्ट करते हुए नजर आ रहा है, मोनू हमें दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लेब इंडिटा के अंदर है, बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत यहाँ पे वैली हमें दिखाई दे रही थी। क्या लगता है कम बैक कम बैक आप लोग, वो तो आपके ऊपर पता, कम बैक आपको करना है करेंगे तो अच्छा है, गेम एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिलेगा मुझे भी यहाँ पे, और आप लोगों को तो मैं चाहता हूँ आप लोग कम बैक करें बिल्कुल मैं चाहता हूँ। अब देख सकते हैं रेडी स्ट्रीम रेडिकुलस होता हुआ यहाँ पे ट्रन वाई स्पोर्ट्स का गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा शानदार होता हुआ, और बहुत ही अच्छी एरिया को एक्वायर करके लूजर ऊपर की साइड पर बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हायर ग्राउंड का एडवांटेज लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए मोनू यहाँ पे नीचे की साइड पे, सामने की साइड पे बैठे हुए हैं यहाँ पे निकलस एक्सिम, और नेट टू नेट यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बस 50% हेल्थ यहाँ पे होती हुई यहाँ पे एरो की, लेकिन सेंसे को आप देख सकते हैं चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऑलमोस्ट जो ऊपर की साइड पर बैठे हुए हमें लूजर दिखाई दे रहे हैं, तो अगर इन्होंने सेंसे को हल्का सा भी देखा तो शायद उनको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं गुरु जो दूसरी साइड पर बैठे हुए बहुत दूर की साइड पर बैठे हुए हैं, तो उनको शायद यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सामने की साइड पर जो बैठे हुए यहाँ पे ग्रेनिंजा दिखाई दे रहे हैं शॉट लेने की कोशिश करते हुए, और 20% हेल्थ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन किया गया यहाँ पे गुरु को, लेकिन अभी भी जो है जस्ट लाइक दैट यहाँ पे सामने वाली टीम है ग्रेनिंजा साथ के साथ निकलस सेंसे, और यहाँ पे एरो जो है वो भी घर के अंदर आ चुके हैं क्योंकि उनको पता लग चुका है कि, लेकिन जोन ऑलमोस्ट देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा कट के साइड पर आता हुआ, और सामने यार टीमों की जो है मुश्किलें जो है थोड़ी सी बढ़ाता हुआ मुझे इस समय नज़र आ रहा है यहाँ पे, और शायद आप लोगों को भी नज़र आ ही रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि अगर राइट साइड पे ये अगर लूजर बहुत जिस जगह एरिया में बैठे बहुत अच्छा एरिया है एग्जैक्टली, लेकिन अगर यहाँ से दिक्कत हुई तो शायद यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे चुका है। बीच में यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करी गई थी, संजीव इस समय सामने वाली टीम पे आग बरसाते हुए मुझे इस समय नजर आने वाले हैं, तो शॉट यहाँ पे जो दिए गए थे वो बहुत ज्यादा दिक्कत का माहौल यहाँ पे बनता हुआ संजीव के द्वारा, और देखेंगे संजीव अपने आप को किस तरह बचा उन्हें, लेकिन एक प्लेयर यहाँ पे आगे साइड पे देख सकते हैं सैवेज, और सैवेज ने यहाँ पे बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखा के और संजीव को किया पूरा का पूरा नॉकआउट ऑफ फिनिश ऑफ, और यहाँ पे वल चल रहे हैं बहुत अच्छे घात लगाए बैठे हुए सामने वाली टीम के आगे, और देखना है यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत जो होती हुई सामने वाली टीम की दिखाई दे रही है। उसके साथ यहाँ पे लेब एंटेटा के अंदर देख लेते हैं एक्सलर के साथ साथ यहाँ पे एरो को यहाँ पे दिक्कत देने की जो कोशिश हुई थी वो मोनू के द्वारा कामयाब होती हुई, शॉट यहाँ पे कवर होते हुए बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ, लेकिन बैक से यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक गेम प्ले यहाँ पे दिखाते हुए निकलस हमारे, और निकलस का गेम प्ले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेनिंजा ऊपर की साइड पर जो बैठे हुए वो टीम को थोड़ा सा दिक्कत देंगे, सेंसे को यहाँ पे जो नॉकआउट करने में कामयाब रहे थे मोनू, अब लेकिन देखना है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे लूजर यहाँ पे पूरे के पूरा गेम प्ले यहाँ पे बदलने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे राइट साइड से ऊपर की साइड और ज्यादा अपर ग्राउंड का एडवांटेज यहाँ पे लेते हुए गुरु हमें दिखाई देने वाले। गुरु सामने वाले मुझे लग रहा है रिवाइव तो करने देंगे नहीं, टीम 10 दिखाओ प्लीज। ओके मैं 10 पे दिखा देता हूँ, एक मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं ये फाइट आपको दिखा के उसके बाद 10 दिखाता हूँ। शॉट यहाँ पे आते हुए और निकलस को भी यहाँ पे नॉकआउट करने में पूरा कामयाब रहते हुए दिखाई देते, लूजर यहाँ पे राइट साइड जाते हुए दिखाई देते, पूरा गेम प्ले यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश, सेंसे यहाँ पे अकेले दिक्कत का सामना करते हुए, और मुझे लग रहा है कि अब दिक्कत यहाँ पे होने वाली है, और साथ में के साथ साथ यहाँ पे 4 फिनिशेस का गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ सेंसे को भी यहाँ पे दिक्कत का सामना करते हुए हमें इस समय देखने को मिल रहा है। चलते हैं यहाँ पे 3C की टीम की बात, 3C इज द मोस्ट डोमिनेटिंग टीम, अब बहुत ज़्यादा बेहतरीन, लेकिन 2 परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा गेम प्ले तो दिखाया, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं दिखाई दिया मुझे जितना इफेक्टिव मुझे दिखना चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट जोन के अंदर बढ़ना जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी जोन से जैसे मैंने बोला था लूट करते हुए आगे साल से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निकलना जब इनका अल्पोजो की तरफ से होगा तो अल्पोजो की तरफ से ही मिडल ऑफ द जोन में आप देख सकते हैं हमारे फ्यूजन की टीम जो दिखाई दे रही है फ्यूजन एक्सएम वो यहाँ से गेटकीप करती हुई दिखाई देगी इस टीम के द्वारा, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन टीम के द्वारा बनाया जा सकता है, एक सामने वाली टीम को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दिया जा सकती है, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे लोन मोड यहाँ पे दिखाई देते हुए राइट साइड रोटेशन करते सिंप्लीफाई ऑलमोस्ट यहाँ पे आगे की साइड पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी टीम जो हमें दिखाई दे रही है इस समय
अगर यहाँ पे XM स्ट्रीम की तो ये फ्यूजन XM सॉरी, तो ये भी जोन के अंदर जाना मतलब मोस्टली यहाँ पे प्रेफर ज़्यादा करेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न सदर्न की तरफ जोन जो है बहुत ही अच्छा बीन वाला, एक बहुत ही अच्छा एक हार्डशिप लेता हुआ दिखाई दे चुका है। और यहाँ पे सैन मार्टिन की तरफ से भी आप देख सकते हैं 8 बिट की टीम जिसमें ग्रेनिंजा अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ट्रिपल एड राइजिंग की टीम भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है जोन के अंदर से बढ़ते हुए, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रोड टू रोड इधर बढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज यहाँ पे इस टीम के द्वारा, और दो यहाँ पे बाकी लेना प्रेफर करते हुए नजर आएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक लेवल यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जा सकती है इस प्लेयर के द्वारा। तो जोन टू जोन यहाँ पे अगर जोन बढ़ना है तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगर जैसे आप जा रहे हैं ये किंग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, और बगी लेना बहुत ही एक अच्छा जिसे कहते हैं एक अच्छा इन्होंने एक डिसीजन यहाँ पे लिया है, क्योंकि बगी जो है ऑलमोस्ट इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब मानी जाती है और सबसे ज़्यादा और एक अच्छा लेवल गेम प्ले भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे क्योंकि जो अगर आप नॉर्मली अगर हम जैसे मेराडो की बात करें तो थोड़ी सी जो है उसकी हाइट कम है जो है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं कभी अटकने के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं, लेकिन बगी जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मूवमेंट यहाँ पे दिखाती है और अच्छा मूवमेंट यहाँ पे करके दिखा भी सकती है, और लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे टीम यहाँ पे निकलने में होती हुई कामयाब हमें दिखाई देती हुई नजर आ रही है रेस गॉड की टीम, और रेस गॉड जो है बहुत अच्छे लेवल को यहाँ पे दिखाई देते हुए, लेकिन मिड ऑफ द जोन के अंदर देखेंगे यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिडनाइट सोल की टीम को थोड़ा सा दिक्कत होती है, यहाँ पे बिग डॉग हमें यहाँ तक दिखाई देने वाले, और यहाँ पे आधी धीरे 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 राइट साइड पर बढ़ते हुए यहाँ पे नोबडी नूब्स की टीम के द्वारा आगे साइड पे दिखाई दे रहे हैं किंग हमें दिखाई देते हुए, और देखेंगे आदि कितना बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे दिखाने में कामयाब यहाँ पे हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। शॉर्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोशिश यहाँ पे की जरूर जा रही है, क्योंकि बैड बॉय आप सामने से गुजरते दिखाई दे रहे हैं, और अगर मुझे लग रहा है आदि यहाँ पे शॉट अगर कनेक्ट लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे तो शायद एक दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे शार्क और यहाँ पे ट्रिगर की टीम हमें दिखाई देने वाली है जो टीम को यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे, क्योंकि आदि को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे चुका था, अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे एक फर्स्ट एड लगाने की नौबत आती हुई, क्योंकि बिल्कुल भी 1 HP की हेल्थ को दिक्कत होता, बट द नेड इज रियली परफेक्ट नेड बाय द बिग डॉग, और बिग डॉग ने यहाँ पे थोड़ा सा गेम पलटने की कोशिश यहाँ पे जो की गई थी वो कामयाब होती हुई दिखाई दी, और दिक्कत का सामना होता हुआ दिखाई दे चुका है। नोबडी नूब के डेविल हमें दिखाई देने वाले राइट से रोटेशन करते हुए अपनी टीम के पास बढ़ते हुए, लेकिन पीछे से जो है थोड़ी सी दिक्कत जो है वो होती हुई दिखाई दे चुकी है, गुर्जर के पास आ चुके हैं किंग यहाँ पे नॉकआउट और साथ के साथ आदि हमें दिखाई देने वाले हैं, तो यहाँ पे मिडनाइट सोल की टीम के द्वारा 2 finishes इजीली इनके खाते में दिखाई देने वाले हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे शार्क इनको जो है पूरा पूरा फिनिश ऑफ करने में कामयाब रहने वाले हैं, और 2 finishes अपने खाते में लेके एक प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है, आदि यहाँ पे अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आदि भी जो है जल्दी से ब्लीड आउट होते होते फिनिश ऑफ हो ही जाएंगे, तो दिक्कत होती हुई यहाँ पे दिखाई देने वाली है, और 2 प्लेयर की कैजुअलिटी और साथ के साथ 2 प्लेयर के फिनिशिंग पॉइंट हमें मिलते हुए मिडनाइट सोल के तो को मिलते हुए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और शानदार तरीके से हमें देखने को यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे इस टीम के पास ये डोमिनेटर की टीम भी यहाँ पे आती हुई और थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती हुई यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, तो ये एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोमेंट बन सकता है और दिक्कत दे सकता है बिल्कुल भी, क्योंकि राइजन एक्स भी हमें आते हुए जो दिखाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे डोमिनेटर की टीम के, तो यहाँ पे मिडनाइट सोल की टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखा देने की दे सकते हैं, और अगर दिया तो पनिश करने में बिल्कुल भी मतलब देर नहीं लगाएंगे, और साथ के साथ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फंटेस्टिक बोर्ड होता हुआ, जैसे देखा शाक को यहाँ पे नॉकआउट करा, बिग डैडी को भी यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे की गई, लेकिन परफेक्टली थोड़ा सा यहाँ पे मिस आउट होते हुए दिखाई दिए, सामने वाली टीम को भी यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश, लेकिन अपने आप को यहाँ पे 50% पे थोड़ा सा देखा बचने में कामयाब, अपना अच्छा डिसीजन था छोड़ दिया गया, रिटेलिशन शॉट जो यहाँ पे कवर होते हुए दिखाई दिए थे वहाँ पे क्लॉक के द्वारा और देखे टिक्स क्लॉक के द्वारा, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बचने में कामयाब कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज देने में कामयाब होते हुए दिखाई दे राइजन को, लेकिन राइजन ने एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट यहाँ पे जो किया गया, तो उनको भी जो है इजीली यहाँ पे जो है रिवाइव यहाँ पे मिल चुका है, जो शार्क हमें दिखाई दिए थे जिनको यहाँ पे दिक्कत दी गई थी, लेकिन देखेंगे सेक्सी यहाँ पे राइट साइड से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और मुझे लग रहा है बैड बॉय के द्वारा यहाँ पे शॉट ज्यादा होते हुए दिखाई दिए, 50% हेल्थ पे दिक्कत का सामना करते हुए, और अपने गाड़ियों को बचाना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट बनता हुआ और दिखाई देने वाला है, और क्योंकि गाड़ियों को अगर नहीं बचाया गया तो यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता, और यहाँ पे कॉल आती हुई ऊपर से यहाँ पे राइजन की, क्योंकि राइजन को नॉकआउट ऑफ रिशॉप करने की जो कोशिश दिखाई दी, और यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक तरीके से यहाँ पे जंप लेती हुई गाड़ी को आते हुए यहाँ पे दिखाई दिए, और पूरा का पूरा गेम प्ले यहाँ पे कवर अप लेने की कोशिश यहाँ पे जो की गई थी वो यहाँ पे राइजन को ऑलमोस्ट यहाँ पे फिनिश ऑफ भी करके पूरा एक गेम प्ले जिसे कहते हैं कि एक फिनिश अपने खाते में लेने में और एक फिनिशिंग पॉइंट लेने में अपने खाते में जुड़ चुके हैं मिडनाइट सोल के प्लेयर्स।
बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूवमेंट में खेलते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। बैट बॉल के अभिषेक के साथ साथ और अपने चारों के चारों प्लेयर्स को रिवाइव रखने में रहे पूरे पूरे कामयाब, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन और डोमिनेटर की टीम को झटका लगता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे चुका है। और देखेंगे यहाँ पे जीबी की टीम के दिबा, यहाँ पे तीन प्लेयर यहाँ पे दिख रहा है, पेन और सास्के हमें दिखाई देने वाले हैं जो जा रहे हैं चुमासेरा, और चुमासेरा में बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन हार्ड शूट बनता हुआ हमें दिखाई दिया चुमासेरा के लेडरला के एरिया के पास। जितना भी आप ये देख रहे हैं, जितना डार्क एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, ये जो एरिया ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब रिच का फैंटास्टिक एरिया माना जाता है, जो है ये पहाड़ी का एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा एक रिजी और पहाड़ी एरिया माना जाता है ये एरिया को, और रॉकी एरिया है मतलब पूरा का पूरा। तो इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे टीम्स को जो है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पहाड़ी है और पहाड़ी के पास थोड़ा सा अपना गेम प्लान बदल के रखना वो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है इस टीम के द्वारा। तो देखेंगे बाकी का यहाँ पे हमें जो एक प्लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दाजू, जो खेल रही है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव टीम WMOG की, तो इसके पास बन सकता है। और निलुट को एक बार देख लेते हैं, निलुट यहाँ पे खेलते हुए बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले, और निलुट के द्वारा यहाँ पे सामने वाली टीम को एक प्लेयर को ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है जो है हॉक का, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल रेड राइजिंग के दबी भी तीनों प्लेयर अभी जिंदा, लेकिन इसमें यूनिक बॉय को जो है ऑलमोस्ट फिनिश ऑफ किया जा चुका है। जो नाइन्थ पे हमारी जो टीम खेलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे रेस कॉट की, उनके पास भी अभी भी यहाँ पे एक फिनिश पॉइंट है, और साथ के साथ जो हमारे जो टीम हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे फ्यूजन एक्सम, उनको भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाने की एक्सट्रीम की सॉरी, तो ये बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि चुमासेरा का अपेर एरिया को कन्वर्ट करने की कोशिश, देवा को यहाँ पे नॉकआउट कर सकते थे यहाँ पे डेस्ट्रो, लेकिन जल्दबाजी का कोई भी मोमेंट नहीं बनता हुआ दिखाई दिया, और सी को थोड़ा सा देखने की कोशिश यहाँ पे की जरूर गई थी, लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पे पेन जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी एरिया को एक्वायर करके इन टीमों ने बहुत ही अच्छा फाइन गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करी है। एक मिनट गाइज रुकिएगा, एक कॉल आ रही है, एक मिनट बस। आई बी बैक राइट नाउ, और बहुत ज्यादा यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा सेंसेस को एक बहुत ही अच्छा स्प्रे, और देखने वाली बात है कि बाकी टीम के जी शॉक के द्वारा यहाँ पे खेलती हुई जो हमारी टीम दिखाई दे रही थी दो प्ले की कैजुअलिटी के बाद, यहाँ पे 7XXM की टीम दो प्ले जी शॉक हमें खेलते हुए उनकी टीम एक नेड यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे सास्के के द्वारा, और यहाँ पे एक परफेक्टली नेड यहाँ पे जो कुक करा गया था वो थोड़ा सा दिक्कत देता हुआ इस टीम को, और देखेंगे अगर ये नेड परफेक्टली अगर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है तो यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे हो सकती है फ्यूजन एक्सट्रीम की टीम को। और बैक टू बैक यहाँ पे दो तीन टीमें हमें खेलती हुई, चार टीमें खेलती दिखाई दे, 69XM 3C साथ के साथ खेलती हुई हमें एक टीम और यहाँ पे जो दिखाई दे रही है 7XXM, और उसी के साथ खेल रही है यहाँ पे हमारी रॉयल एटम बहुत ज्यादा अग्रेसिव। अभी भी 16 टीमें, मीनवाइल 16 टीमें जिंदा है, दिस इज रियली 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 फैंटास्टिक। हेलो भाई, हेलो, नाइस कास्टिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप देख लेते हैं मीनवाइल यहाँ पे चलते हैं फटाफट से 21 नंबर टीम के ऊपर जो है हमारी लॉर्ड की टीम, तो लॉर्ड की टीम को देखेंगे कम बैक करने का मौका मिलता नहीं मिलता, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं हमें नोबिता और डैडी भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो 15 #15 के आसपास खेलती हुई बाकी की टीमों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है। मिड नाइट सोल के आगे यहाँ पे नोबडी नूब्स की टीम का बहुत ही अच्छा बैटिंग गेम प्ले देखने को मिलता हुआ, और थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर जरूर आने वाले, तो शॉर्ट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी डेविल के द्वारा, लेकिन मिड नाइट सोल की टीम जो हमें दिखाई देने वाली है बहुत ज्यादा UMP is the right now is the most damageable gun, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है टीम के द्वारा, बहुत ज्यादा फाइन गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ नोवे न्यूब के यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है, और इसी के साथ डेविल को भी फिनिश अप करने के बाद अब जो है यहाँ पे मिडनाइट सोल की टीम का बहुत ज्यादा बेहतरीन अग्रेशन देखने को मिल रहा है। नोबिता यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, मिडनाइट सोल की यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाते हुए यहाँ पे लॉर्ड की टीम की यहाँ पे धीरे धीरे कम बैक होता सा मुझे कुछ नजर तो आ रहा है, लेकिन अब देखना है कि कितना बचाने में अपनी टीम को कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऊपर की साइड पे देखने की कोशिश करेंगे TWM की टीम यहाँ पे अगेंस्ट खेलती हुई जो दिखाई दे रही है, वो एक बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो टीम एक जो खेलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे हंटर्स की, उनके सामने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत का माहौल TWGOG की टीम का जो दिखाई देने वाला है वो थोड़ा सा यहाँ पे लेवल को थोड़ा सा डाउन करेगा, क्योंकि उस टीमों का जो है कि अपने हायर ग्राउंड का एडवांटेज तो ले रखा है, लेकिन अगर कोई टीम अगर प्रॉपरली आपको यहाँ पे देख लेती है तो उसके साथ भी देखने की कोशिश आपको थोड़ा सा और महंगा पड़ सकता है। शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए अल्फा, ये शॉट तो मैं जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर
मीरामार के अंदर डीएमआर का और साथ के साथ यहाँ पे एक्शन पैक अगर नहीं मिला आपको शॉट्स जिसे M24 का चाटा जिसे कहते हैं तो गेम प्ले में मज़ा नहीं आता क्योंकि मीरामार की जान जो है वो डीएसएलआर और साथ के साथ हमें देखने को यहाँ पे जो डीएमआर और यहाँ पे जो दिखाई देती हुई यहाँ पे स्नैपर तो ये दो जो है बहुत ज़्यादा एक्सलेंट बनता हुआ दिखाई दे चुका और यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड की टीम ऑलमोस्ट यहाँ पे जो एरिया को यहाँ पे कवर अप करके बैठी हुई है तो उसी के सामने शॉट यहाँ पे कनेक्ट करने की जो कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है डैडी के भी द्वारा क्योंकि सामने जो मिडनाइट सोल की टीम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मूवमेंट में है इस समय और इस समय पार्ट फिनिश के साथ खेलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बैक टू बैक जोन के अंदर बढ़ना जो है मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीन वाइल यहाँ पे देख सकते हैं जोन के अंदर परफेक्शन के साथ बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। आतंकी को यहां पे थोड़ी सी दिक्कत देने की कोशिश की गई थी लेकिन अपनी हेल्थ बढ़ाने में यहां पे कामयाब हो चुके हैं। सामने भी खेलते हुए AWMGOG के टीम के प्लेयर वो थोड़ा सा यहां पे सामने वाली टीमों के मुश्किल यहां पे बढ़ाने की कोशिश करते हुए गाड़ी को यहां पे ब्लास्ट आउट करने के पूरे की पूरी चांसेस जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश यहां पे की गई थी और देखने वाली अब बात सिर्फ इतनी है कि हंटर्स की टीम के चारों प्लेयर जो जिंदा है वो पूरा रोटेट करके जोन के अंदर बढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनके लिए बनता है क्योंकि देखिए जोन के अंदर रहेंगे 12 टीमें अभी भी जिंदा है तो अपने आप को एक अच्छे लेवल तक सिक्योर करके रखना और एंड लेवल तक सिक्योर करके रखना ये इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक दैट द वल्चर को यहाँ पे शॉट आते हुए दिखाई दे चुका है बहुत दिक्कत का सामना हंटर्स की टीम के द्वारा और वल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ द रेंज आता हुआ लेकिन यहाँ पे शॉट्स आते हुए बहुत ज़्यादा फाइन गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ आतंकी की टीम के द्वारा और देख सकते हैं हंटर्स की टीम ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले हमें दिखाने में पूरा का पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी और सामने वाले वल्चर का गेम प्ले यहाँ पे #12 पे कर दिया गया है खत्म और देखेंगे यहाँ पे रॉयल एटी की टीम हमें खेल रही है साथ के 69XM की एक प्लेयर हमें बचे हुए दिखाई दे रहे हैं जो है गॉड आए वो यहाँ पे पूरा पूरा स्मोक डाल के जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे क्योंकि रॉयल एटम की टीम भी धीरे धीरे जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश कर रही है और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ऑलरेडी शॉट्स यहाँ पे जो क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे जो करती हुई सामने वाली टीम लॉर्ड्स की टीम दिखाई दे रही है एक ब्रिज के साथ लेकिन दिक्कत का माहौल यहाँ पे बनता हुआ और यहाँ पे फ्यूचर एक्सट्रीम की टीम को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता हुआ दिखाई दे चुका है। थोड़ी सी यहाँ पे मोमेंट का थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है क्योंकि नौबिता बचे हैं इस समय लॉर्ड की टीम के लिए यहाँ पे अकेले लाने में अपनी टीम को यहाँ पे किताब बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले लेकिन एक्शन पैक गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे टीम के द्वारा तो ब्रायन यहाँ पे जो खेलते हुए नजर आ रहे थे ओपी के और यहाँ पे फ्यूजन के एक्सट्रीम की टीम और यह बहुत ज़्यादा बेहतरीन और लॉर्ड की टीम का यहाँ पे 10वें नंबर के पायदान पे हो चुका है पूरा गेम यहाँ पे ख़त्म और देखेंगे ऊपर की साइड पे बढ़ती हुई टीम हमें जो दिखाई दे रही है फ्यूजन XM ऑलरेडी जोन के यहाँ बिल्कुल एच पे खेलने की कोशिश यहाँ पे बहुत ही अच्छे एरिया को यहाँ पे एक्वायर करते हुए इस टीम के द्वारा और हंटर्स की टीम बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट वे में गेम खेलेगा तो 6 टीमें अभी भी जिंदा खेलती हुई नजर आ रही हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मिड ऑफ द जोन के अंदर जो खेलती हुई जो टीम नजर आएंगी वो बहुत ज़्यादा शानदार गेम प्ले हमें दिखाने की कोशिश यहाँ पे करेंगी क्योंकि 10 नंबर की टीम को आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले को परफॉर्म करते हुए और लेफ्ट साइड में यह पूरी टीम यहाँ पे दिखाई देती हुई हमें इस समय दिखाई दे रही है यहाँ पे फ्यूजन XM की तो आप अकेले प्लेयर यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन हंटर्स की टीम जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म कर रही है साथ के साथ 6 टीमें अभी भी टीम जिंदा है लेकिन ऊपर की साइड पर जो बैठी हुई हमें नजर आ रही है जहाँ पे रेस गॉड की टीम वो दिक्कत देने की कोशिश करते हुए आतंकी हुए यहाँ पे दिक्कत का सामना करते हुए यहाँ पे डायबलो लेकिन आतंकी यहाँ पे दूसरी साइड पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आतंकी ने यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है एक डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे करा सामने वाली टीम का पूरा स्मोक डाल के और अपनी टीम अपने आप को यहाँ पे बहुत ही अच्छे एरिया को एक्वायर करते हुए और आतंकी यहाँ पे हो चुके हैं पूरे फिनिश ऑफ और दिक्कत इन्हें हो चुकी है बहुत ज़्यादा क्योंकि जो ब्लास्ट आउट हुआ उसके साथ ही बढ़ने की कोशिश यहाँ पे हो चुकी है लेकिन शॉट यहाँ पे आते हुए दिखाई देने वाले थे एक्चुअली हंटर्स की टीम को इनको शायद पता नहीं था कि हंटर्स की टीम अभी यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे लेवल को यहाँ पे गए होल्ड ऑफ करके बैठी हुई है लेकिन ऊपर की साइड पे बैठी हुई बाकी की टीम के प्लेयर कितना इतनी के प्लेयर दिखाने वाले हंटर्स की टीम को पूरा खत्म करने आधा सीट की टीम के साथ क्या अकेले बचे वो दिखाई दे रहे हैं निकलना ज्यादा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आउट होता वो दिखाई देगा क्योंकि जोन के बाहर खेलना डोन अब इसमें बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे गेम प्ले खेलता हुआ दिखाई देने वाला है नेट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे आगे जाए फ्यूचर नेक्स्ट की टीम का लेकिन बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ दिखाई देगा लेकिन हो सकते हैं शॉट यहाँ पे हो सकते थे लेकिन खत्म होने की कगार पे होते हुए पूरा गेम प्ले खत्म 3 टीमें खेलती हुई नजर आ रही है हमें बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले यहाँ पे परफॉर्म करते हुए रेस गॉड वर्सेस यहाँ पे होता हुआ हमें यहाँ पे फ्यूचर एक्सट्रीम के अंदर प्लेयर और साथ के साथ यहाँ पे खेलती हुई हमारी मिडनाइट सोल की टीम जो खेल रही है 9 फिनिशेस के साथ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और अग्रेसिव लेवल यहाँ पे क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। साइबर गेट की टीम रेस गॉड की टीम के प्लेयर हमें दिखाई देने वाले डियाब्लो अपने आप को बचा चुके हैं साथ के प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव कर रहे हैं डेड शॉट सामने वाली टीम को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे कवर बेहतरीन कवर फायर के साथ शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देने वाले हैं रेस गॉड की टीम के।
अगर यही टीम यहाँ से निकाल ले आती है 9 फिनिशेस के साथ ये मिडनाइट सोल, नो ही फिनिशेस के साथ खेलती हुई रेस गॉड, तो देखेंगे ये दोनों टीमों का कितना बेहतरीन गेम प्ले हो सकता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ डायब्लो के द्वारा, नेट यहाँ पे कनेक्ट यहाँ पे करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दे चुकी है, स्किल के साथ अकेले खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सलेंट गेम प्ले यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए फ्यूजन के हमारे एक्सट्रीम के लेवल का गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ। और अब देखना यहाँ पे बाकी रह गया, यहाँ पे धीरे धीरे गेम पे आप प्ले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड यहाँ पे लेता हुआ, और यहाँ पे देख सकते हैं शॉट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे चुका था यहाँ पे बैट बॉय को फिनिश अप। अब यहाँ पे देख सकते हैं मिडनाइट सोल की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे धावा बोल चुके हैं रेस गॉड के प्लेयर, और रेस गॉड के प्लेयर यहाँ पे डायब्लो ने यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश करते हुए दिखाई देने वाले, नीचे की शॉट पर होता हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे चुका है। अब एक्सएम की टीम हमें दिखाई देने वाली शॉट यहाँ पे कवर लेने की कोशिश यहाँ पे रेस गॉड हैड बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, जो इस समय तक टीम अभी हंट करती हुई दिखाई दे रही थी मिडनाइट सोल को, उसको यहाँ पे पूरा एलिमिनेट करके और गेम प्ले कर लिया है अपने नाम, और दैट्स कॉल्ड द रियल एक्शन बाय द टीम्स एंड दिस इज कॉल्ड द बीएलए अंडरडॉग गेम प्ले, बहुत ज्यादा अग्रेसिव लेवल। और देख सकते हैं क्या ही गेम प्ले, क्या ही कोऑर्डिनेशन, और क्या ही बहुत ज्यादा अग्रेशन लेवल, और बहुत ज्यादा बैंग बैंग एक्शन हमें देखने को यहां पे मिलता हुआ इस टीम के द्वारा। तो तीन मैचेस आपने देखे जो बहुत ज्यादा एक्सलेंट वे में हमें दिए थे, और साथ के साथ गेम प्ले भी बहुत ज्यादा बेहतरीन बनता हुआ दिखाई दिया था। तो चलिए मैं लेता हूँ अब आपसे विदा यहाँ पे, और मिलेंगे अब आपसे कल जो होगा हमारा कल का लास्ट फाइनल डे, और उसमें देखेंगे टीम्स यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती हैं, और उसके जो फाइनल कॉल के बाद कौन सी टीम यहाँ पे मिलती है फिन विनर ऑफ द अंडर डॉग लीग बाय द बी आर लिचिट प्रेजेंट्स, तो यहाँ पे देखेंगे। अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, शुभरात्रि, शब्बा खैर, और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।